ओम शांति। ओम शांति। आज की तिथि है 7 जनवरी 1967 प्रातः क्लास। टुडेज मुरली इज द मॉर्निंग क्लास डेटेड 7 जनवरी 1967। रिकॉर्ड चला है सो पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। द रिकॉर्ड प्लेड इज टेक अस समवेयर फार अवे फ्रॉम दिस सिनफुल वर्ल्ड। क्यों? व्हाई? ये गीत क्यों बजाया? व्हाई वाज दिस सॉन्ग प्लेड? इसलिए बजाया कि पाप की दुनिया में रहेंगे तो पापियों का संग लगेगा। इट वाज प्लेड बिकॉज इफ वी स्टे इन द सिनफुल वर्ल्ड We will come in the company of the sinful ones. संग लगेगा तो रंग लगेगा। If we come in their company, we will be colored by it. क्योंकि आत्माओं को ही संग का रंग लगता है। Because it is the souls which are colored by the company. एक परमपिता परमात्मा ऐसा है। One supreme father, supreme soul is such. जो इस दुनिया में आता है, फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता है। That even after coming in this world, he is not colored by the company. और जो भी मनुष्य आत्मा है, while all the other human souls, चाहे कोई धर्म पिताएं ही क्यों न हो, whether they are the religious fathers, Abraham, Buddha, Christ ही क्यों न हो, whether they are Abraham, Buddha, Christ, राम कृष्ण की आत्माएं ही क्यों न हो, whether they are the souls of Ram and Krishna, उनको संग का रंग जरूर लगता है। They are definitely colored by the company. तो कली की दुनिया तो पाप की दुनिया है। So the Iron Age world is a sinful world. पाप की दुनिया में पापों से छूटना चाहते हैं तो भी नहीं छूट सकते। In a sinful world, even if we want to escape from sins, we can't escape. तो गीत बनवाया है बाप ने। So the father has had the song prepared. अर्थ भी बताए गए हैं। And he is also telling us its meaning. कि बच्चे अब थक चुके हैं। That the children are now tired. इस पाप की दुनिया से दूर जाना चाहते। They want to go far away from this sinful world. दूर कहाँ? Where is that far away place? पाप की कलयुगी दुनिया से दूर कौन सा देश है? Which country is far away from this sinful Iron Age world? कलयुग से दूर है द्वापर। The Copper Age is farther than the Iron Age. और द्वापर से भी दूर है त्रेता। And the silver age is still farther than the copper age. त्रेता से भी दूर है सतयुग। Farther more to the silver age is the golden age. और सतयुग में भी आत्माएं आती हैं बहुत दूर देश से जिसे कहते हैं शांति धाम। And even in the golden age, the souls come from a very distant place called the abode of peace, शांति धाम। तो शांति धाम जाना पड़े पहले। So they will first have to go to the abode of peace. क्यों? Why? उल्टी सीढ़ी चढ़ करके सुखधाम क्यों नहीं जा सकते? Why can't they climb the stairs back and go to the abode of happiness, सुखधाम? सतयुग में क्यों नहीं जा सकते? Why can't they go to the golden age? इसलिए नहीं जा सकते कि आत्मा पहले अपने स्वरूप को पकड़े। They can't go because the soul should attain its own form first. आत्मा है शांत स्वरूप। The soul indeed has a peaceful form. इस पाप की दुनिया में देह अभिमानियों के संग के रंग में आते आते देह अभिमानी बन पड़ी। While coming in the color of the company of the body conscious ones in this sinful world, it became body conscious. माने आत्मा अपन को देह समझने लग पड़ी। It means the soul started considering itself as a body. पांच तत्वों के संघात से बने हुए शरीर में आत्मा अपने को देह अभिमानी जड़त्वमयी मानने लगी। The soul started considering itself as body conscious and inert in the body made up of the combination of 5 elements. बुद्धि ऐसी जड़ हो गई है कि जो भी काम करते हैं वो उल्टा हो जाता है। The intellect has become so inert that whatever we do turns opposite. समझते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं। We think that we are very intelligent. आज की दुनिया के तबके में वैज्ञानिक बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं।
इन टूडेज वर्ल्ड द साइंटिस्ट आर कंसिडर्ड टू बी द वेरी इंटेलिजेंट क्लास। लेकिन वैज्ञानिकों की बड़े से बड़ी उपलब्धि जो एटमिक एनर्जी है वो दुनिया का संहार करने के निमित्त बन गई। बट द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द साइंटिस्ट दैट इज द एटोमिक एनर्जी हैज बिकम द इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी चीज तैयार कर ली, दे हैव प्रिपेयर्ड सच ए थिंग कि जिस दुनिया में खुद बैठे हुए हैं वही दुनिया संहार करना चाहते हैं। दैट विद इट दे वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द सेम वर्ल्ड इन विच दे देमसेल्व्स आर सिटिंग। अभी बाप कहते हैं, नाउ द फादर सेज कि बच्चे इस दुनिया से बुद्धियों को हटाओ। चिल्ड्रन रिमूव द कनेक्शन ऑफ योर इंटेलेक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। हटाने के लिए पहले अपने को आत्मा समझो, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, परम धाम की रहने वाली। टू रिमूव द कनेक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल फर्स्ट। कंसिडर आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल अ रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम अबोर्ड। जब तक आत्मा शांत स्वरूप नहीं बनेगी तब तक सुख नहीं मिल सकता। Until the soul attains a peaceful form, you cannot receive happiness. जैसे कोई को बुखार आ जाए, just like if someone suffers from fever, तो पहले वो रसगुल्ला खाना चाहेगा, रसगुल्ला का सुख लेगा। Will he like to eat rasgulla, a sweet meat first? Will he enjoy the pleasure of rasgulla? या पहले बुखार उतारना चाहेगा। Or will he like to get the fever down first? पहले बुखार उतारना चाहेगा। He will like to get the fever down first. पहले दुख से दूर हो जाए। He will wish to become free of sorrow first. आत्मा जब तामसी बनती है, When the soul becomes tamasi, meaning degraded, देहाभिमानी बनती है, When it becomes body conscious, तो बहुत दुख फील करती है, It feels very sorrowful. और जब आत्मा आत्माभिमानी बनती है तो दुख से छुटकारा मिल जाता है। And when the soul becomes soul conscious, it becomes free of sorrow. दुख से छुटकारा मिलना माना मुक्ति मिलना। To become free from sorrow means to attain liberation, मुक्ति। काहे से मुक्ति? दुख से मुक्ति। Liberation from what? Liberation from sorrow. तो शांति आ जाती। Thus it attains peace. तो पहले क्या चाहिए? So what is required first? आदमी दुखी होता है तो दुख से छुटकारा चाहिए। When the human being becomes sorrowful, he wants freedom from sorrow at first. उसे कहते हैं शांति। It is called peace. फिर उसके बाद आत्मा सुख भी चाहती। Then after that, the soul also wants happiness. कि शांति से भी और ऊंची चीज है। It wishes that there is something higher than peace as well. कि जीवन में भी रहे और जीवन रहते हुए हमको दुख न पैदा हो। इट इज दैट वी शुड स्टे अलाइव एंड वाइल रिमेनिंग अलाइव वी शुडंट एक्सपीरियंस सोरो। अशांति न पैदा हो लेकिन सुख मिले। वी शुडंट एक्सपीरियंस रेस्टलेसनेस, ऑन द कंट्ररी वी शुड रिसीव हैप्पीनेस। शरीर भी रहे और सुख भी मिले। द बॉडी शुड रिमेन एज वेल एज वी शुड रिसीव हैप्पीनेस। तो कैसे हो सकता है? सो हाउ इज इट पॉसिबल? जब आत्मा की आसक्ति शरीर में न हो। इट इज पॉसिबल व्हेन द सोल हैज नो अटैचमेंट टू द बॉडी। देह और देह के पदार्थों में आसक्ति न हो। व्हेन देयर इज नो अटैचमेंट टू द बॉडी एंड द थिंग्स रिलेटेड टू द बॉडी। देह के संबंधियों में आसक्ति न हो। व्हेन देयर इज नो अटैचमेंट टू द बॉडीली रिलेटिव्स। तो भगवान बाप ऐसी दुनिया आकर के रचते हैं जिसे स्वर्ग कहा जाता है। सो God the Father comes and creates such a world which is called heaven, swarg. क्या नाम दिया? What was the name given? स्व माने आत्मा, ग माने गया, कहाँ गया? स्व means the soul, ग means went. Where did he go? ऐसी आत्मिक स्थिति में गया। He went in such a soul conscious stage. स्व माने आत्मा, ग माने गया, कहाँ गया? स्व मीन्स द सोल, ग मीन्स वेंट, वेयर डिड ही गो? ऐसी आत्मिक स्थिति में गया जहाँ देह का कोई संबंध खींचता नहीं है। ही वेंट इन सच ए सोल कॉन्शियस स्टेज वेयर नो रिलेशन ऑफ द बॉडी अट्रैक्ट हिम। वहाँ देह का विचार ही नहीं होता। देर इज नो एडल्ट्रेशन ऑफ द बॉडी एट ऑल ओवर देर।
राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है। राधा एक्सचेंजेस गेजेस विद कृष्णा एंड कृष्णा एक्सचेंजेस गेजेस विद राधा। और किसी में दृष्टि डूबती ही नहीं तो व्यभिचार का सवाल ही नहीं। दे डू नॉट एक्सचेंज गेजेस विद एनीवन एल्स एट ऑल, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एडल्ट्रेशन एट ऑल। तो अशांति वहाँ नहीं होती, अशांति होती है वैश्यालय में और शांति होती है शिव के रचे हुए शिवालय में। दस देर इज नो रेस्टलेसनेस ओवर देर, देर इज रेस्टलेसनेस इन अ ब्रॉथल वैश्यालय एंड देर इज पीस इन द शिवालय हाउस ऑफ शिव क्रिएटेड बाय शिव। शांति पवित्रता से आती है। देर इज पीस बिकॉज ऑफ प्यूरिटी, गाया भी जाता है वेयर इज प्योरिटी देर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इट इज ऑल्सो प्रेस्ड वेयर देर इज प्यूरिटी देर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता सुख और शांति की जननी, प्यूरिटी इज द मदर ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। तो आत्मा पहले अपने पवित्र स्वरूप में टिके, सो द सोल शुड फर्स्ट स्टेबिलाईज इन इट्स प्योर फॉर्म। कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, आई द सोल एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। ज्योति बिंदु बाप का बच्चा हूँ, आई द पॉइंट ऑफ लाइट एम द चाइल्ड ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइट फादर। जैसे बाप हाथी होता है तो बच्चा भी हाथी की तरह होता है। जस्ट लाइक वेन द फादर इज एन एलिफेंट द चाइल्ड ऑल्सो इज लाइक एन एलिफेंट। बाप सांप होता है तो बच्चा भी सांप की तरह लंबा होता है। वेन द फादर इज अ स्नेक हिज चाइल्ड ऑल्सो इज लॉन्ग लाइक द स्नेक। बाप चीटी मिसल होता है कीटाणु मिसल होता है तो बच्चा भी कीटाणु मिसल होता है। इफ द फादर इज एन एंट अ बैक्टेरिया द चाइल्ड ऑफ द बैक्टेरिया ऑल्सो इज स्मॉल लाइक अ बैक्टेरिया। तो बाप है ज्योति बिंदु, सो द फादर इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। वो ज्योति बिंदु का बड़ा आकार भारतीय परंपरा में मंदिरों में शिवलिंग बनाया जाता है। द बिग फॉर्म ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइट इज द शिवलिंग मेड इन टेम्पल्स इन द इंडियन ट्रेडिशन पूजा करने की सुविधा के लिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ वर्शिप। वो शिवलिंग ही परमात्मा का स्वरूप है, परमपिता का स्वरूप है। दैट शिवलिंग इटसेल्फ इज द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम सोल, इट इज द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम फादर। किसका पिता? हुज फादर? सब आत्माओं का पिता। द फादर ऑफ ऑल द सोल्स। जो भी आत्माएं हैं बिंदु 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 शरीर धारण करने वाली आत्माएं, उन सब का बाप। ही इज द फादर ऑफ ऑल द पॉइंट सोल्स हु टेक अ बॉडी। सिर्फ मनुष्य आत्माओं का ही बाप नहीं है। ही इज नॉट जस्ट द फादर ऑफ ह्यूमन सोल्स। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जो भी आत्माएं हैं, ही इज द फादर ऑफ ऑल द सोल्स वेदर ऑफ इंसेक्ट्स स्पाइडर्स एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो इस संसार में पाप की दुनिया में दुखी हो चुकी है, ऑल दोज हु हैव बिकम सोरोफुल इन दिस वर्ल्ड इन द सिनफुल वर्ल्ड। ऐसे नहीं पाप की दुनिया में मनुष्य ही दुखी होता है। इट इज नॉट दैट ओनली ह्यूमन बींग बिकम सोरोफुल इन द सिनफुल वर्ल्ड। हाँ मनुष्य पहले दुखी होता है तो दूसरे प्राणी भी दुखी होते हैं। बट यस ह्यूमन बींग बिकम सोरोफुल फर्स्ट एंड लेटर अदर एनिमल्स ऑल्सो बिकम सोरोफुल। मनुष्य जब सुखी होता है तो दूसरे प्राणी भी सुखी होते हैं। वेन ह्यूमन बींग बिकम्स हैप्पी अदर एनिमल्स ऑल्सो बिकम हैप्पी। मनुष्य के ऊपर सारा मदार है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बींग। क्यों? Why? क्योंकि मनुष्य की आत्मा रूपी बीज ऐसा बीज है जो मनन चिंतन मंथन कर सकता है। Because the seed like soul of human being is such a seed which can think and churn. मननात् मनुष्य है, मनन करने से मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य meaning when he thinks he is called a human being. और वो बनता कैसे है? तो मनु की औलाद बना तो मनुष्य बना। And how is he created? When he became the child of Manu, he became a human being. Manu mana Brahma. Manu means Brahma. तो वो supreme soul गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, लेकिन इस सृष्टि पर जब आता है. So the supreme soul is indeed not born through a womb, but when he comes in this world. तो विशेष दो आत्माएं हैं जो हीरो हीरोइन के रूप में इस सृष्टि पर पार्ट बजाती है. There are especially two souls who play a part in this world in the form of a hero and a heroine.
राम और कृष्ण की आत्मा, द सोल्स ऑफ राम एंड कृष्णा रेस्पेक्टिवली, उनमें से कृष्ण की आत्मा को वो पहले प्रत्यक्ष करता है। बिटवीन देम ही रिवील्स द सोल ऑफ कृष्णा फर्स्ट, गाया भी जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इट इज ऑल्सो संग त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यू योर सेल्फ आर द मदर एंड द फादर, पहले किसका नाम आया, माता का नाम, हूज नेम वॉज मेंशन्ड फर्स्ट, द नेम ऑफ द मदर, तो माता के रूप में वो पहले संसार में प्रत्यक्ष होता है, सो ही इज रिवील्ड इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ द मदर फर्स्ट, जो लौकिक रूप में सृष्टि रची जाती है बाल बच्चों की, वेन द क्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन टेक्स प्लेस इन द लौकिक मीनिंग वर्ल्डली फॉर्म, उसमें भी बच्चों के सामने पहले कौन प्रत्यक्ष होता है, हु इज रिवील्ड फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन इवन इन दैट, माँ प्रत्यक्ष होती है, द मदर इज रिवील्ड फर्स्ट, बच्चे पहले माँ को पहचानते हैं, द चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज द मदर फर्स्ट, तो ये बेहद की सृष्टि भी ऐसी है, सो इट इज द सेम इन दिस अनलिमिटेड क्रिएशन एज वेल, इसमें जो बेहद के माता पिता हैं, इन दिस क्रिएशन बिटवीन द अनलिमिटेड मदर एंड द फादर, उनमें पहले में पहला माता का रूप इस सृष्टि में जब नई सृष्टि रची जाती है तो ब्रह्मा का रूप सामने आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ द मदर मीनिंग द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा कम्स इन फ्रंट इन दिस वर्ल्ड व्हेन द न्यू क्रिएशन इज क्रिएटेड, जैसा काम वैसा नाम, एज द नेम सो इज द जॉब, ब्रह्मा ने बड़ी मामा ने माँ, ब्रह्म मीन्स बिग, माँ मीन्स मदर, कैसी माँ, वट काइंड ऑफ अ मदर, ऐसी माँ जिसने सारी दुनिया के बीच बड़ी से बड़ी माँ का पार्ट बजाया, अ मदर हु प्लेड द पार्ट ऑफ द मोस्ट सीनियर मदर इन द एंटायर वर्ल्ड, माँ का काम क्या होता है, वट इज द वर्क ऑफ अ मदर, बाप से कैसा काम उसका भिन्न होता है, हाउ इज हर वर्क डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फादर, माँ बच्चों के लिए बहुत सहन करती है, अ मदर टॉलरेट्स अ लॉट फॉर हर चिल्ड्रन, जितना माँ सहन कर सकती है उतना बाप सहन नहीं कर सकता, अ फादर कैनॉट टॉलरेट टू द एक्सटेंट अ मदर कैन, जितना माँ प्यार दे सकती है उतना बाप प्यार नहीं दे सकता, अ फादर कैनॉट गिव लव टू द एक्सटेंट अ मदर कैन, तो माँ के रूप में छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, सो इन द फॉर्म ऑफ द मदर शी सस्टेन्ड द लिटिल चिल्ड्रन हु डोंट हैव द नॉलेज ऑफ देयर फॉर्म एट ऑल, अपने बाप का पूरा ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ माँ को पहचानते हैं, द चिल्ड्रन हु डोंट हैव द कम्प्लीट नॉलेज ऑफ देयर फादर एट ऑल, हु रिकॉग्नाइज ओनली द मदर, उन बच्चों को वो माँ पालना देती है, द मदर सस्टेन्स दोस चिल्ड्रन, प्यार से पालना मिलती है, दे रिसीव सस्टेनेंस लविंगली, कोई मार की बात नहीं है, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीटिंग्स, तो माँ के रूप में परमात्मा इस सृष्टि पर सामने आता है, सो द सुप्रीम सोल कम्स इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ द मदर, और बच्चों को पहली पहली शिक्षा देता है तुम आत्मा हो, एंड गिव्स द फर्स्ट टीचिंग टू द चिल्ड्रन यू आर अ सोल, तुम जो अपन को देह समझ बैठे, यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ बॉडी, ये देह समझने के कारण देह भान बढ़ता गया और पाप बढ़ते गए, बिकॉज ऑफ कंसिडरिंग योर सेल्फ एज अ बॉडी द बॉडी कॉन्शियसनेस एंड सिंस कंटिन्यू टू इंक्रीज, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांच विकार हैं, लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट एंड ईगो आर द फाइव वाइसेस, इन पांच विकारों के बढ़ने से पापों में बढ़ोतरी होती रहती, ड्यू टू द इंक्रीज इन दीज फाइव वाइसेस द सिंस कीप इंक्रीजिंग, इन पांच विकारों का बाप है देह अभिमान, द फादर ऑफ दीज फाइव वाइसेस इज बॉडी कॉन्शियसनेस, जैसे जैसे देह अभिमान बढ़ता है देह की याद आती है, वेन बॉडी कॉन्शियसनेस इंक्रीजेस वी रिमेम्बर द बॉडी, देह के संबंधियों की याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं, वी रिमेम्बर द बॉडीली रिलेटिव्स वी रिमेम्बर द थिंग्स रिलेटेड टू द बॉडी, वैसे वैसे देवान बढ़ता जाता है विकार बढ़ते जाते हैं पाप बढ़ते जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस इंक्रीजेस वाइसेस इंक्रीज एंड सिंस इंक्रीज अकॉर्डिंगली, तो इन पापों से मुक्ति पाने के लिए पहला पहला उपाय है अपन को आत्मा समझना, और दूसरे जो भी सामने बैठे हुए हो उनसे उनको आत्म की स्थिति में देखना,
So, the first method to achieve liberation from these sins is to consider ourselves as a soul and to see all those who are sitting in front of us in the soul conscious stage. जो भी बात करता है, जो भी मिलता है, उसको आत्मिक स्मृति में देख। With whomever we talk, whomever we meet, we should see him or her in the remembrance of the soul. आत्मिक स्मृति में देखने की जो प्रैक्टिस है, वो परमात्मा बाप की याद दिलाई देगी। The practice of seeing others in the remembrance of the soul reminds us of the Supreme Soul Father. इसलिए मुरली में भी बोला है। This is why it is also said in the Murli. आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। When the entire rust of the soul in the form of a needle is removed, you will learn directly from the Father. जब तक स्वयं आत्मा नहीं बने हैं, आत्मिक स्थिति में नहीं आए हैं, आत्मा की याद की प्रैक्टिस पक्की नहीं हुई है। Until you yourself have become a soul, until you have attained the soul conscious stage, until the practice of remembrance of the soul has become firm, तो परमात्मा बाप की भी असली रूप में याद नहीं आ सकती। You cannot remember the Supreme Soul Father in his real form either. परमात्मा बाप का असली रूप क्या है? What is the real form of the Supreme Soul Father? एक तो हमने मान लिया कि आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मा बिंदु बिंदु का बाप परमात्मा ज्योति बिंदु, जिसका बड़ा आकार शिवलिंग बनाया जाता है। Firstly, we agreed that the soul is a point of light and the father of the point souls, the Supreme Soul is a point of light. The shivling is made as its bigger form. वो तो बेसिक रूप में ज्ञान आ गया। We certainly obtained this knowledge at a basic level. लेकिन वो ज्योति बिंदु कैसे हमारा पिता बनता है? But we did not obtain the knowledge of how that point of light becomes our father. कैसे माता बनता है? How he becomes the mother? कैसे गुरु बनता है? How he becomes the guru? कैसे टीचर बनता है? How he becomes the teacher? कैसे सर्व संबंध निभाता है? How he maintains all the relationships? क्योंकि संबंध तो तभी निभाए जाते हैं जब साकार में। It is because relationships are maintained only when he is in the corporeal form. साकार नहीं है तो संबंध भी नहीं। If he is not in the corporeal form, there are no relations either. वो तो एक ही संबंध बनता है बिंदु बिंदु आत्माओं का, बिंदु परमपिता के साथ। Only one relation is established between the point souls and the point supreme father. बिंदु बिंदु आत्माएं बच्चे, बच्ची भी नहीं। The point souls are the sons, not even daughters. और परम पिता वो पिता। And the supreme father is the father. पिता भी किस आधार पर? He is the father also on what basis? वो पिता इस आधार पर है कि आकर के ज्ञान देकर हमको आत्मा का परिचय देता है। He is the father on the basis that he comes, gives knowledge and gives us the introduction of the soul. तो हमारी बुद्धि में बैठता है कि हम शरीर नहीं है, हम देह नहीं है। Then it sits in our intellect that we aren't sharir, a body. We aren't deha, a body. हम देह के आधार पर जो अभी तक दूसरों को परिचय देते आए। The introduction that we have been giving to others till now based on the body. यह मनुष्य है। I am a human being. हम पुरुष हैं। I am a man. हम डॉक्टर हैं। हम मास्टर हैं। I am a doctor. I am a master. हम स्त्री हैं। हम I am a woman. I am तो ये जो देह का हम परिचय देते आए, सो दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी दैट वी हैव बीन गिविंग, वो हम ये नहीं समझे कि इस देह के अंदर कार्य करने वाली आत्मा है। वी डिडंट अंडरस्टैंड दैट इट इज द सोल विच वर्क्स इन दिस बॉडी। वो आत्मा ज्योति बिंदु प्रकृति के मध्य में बैठी हुई, द पॉइंट ऑफ लाइट सोल सिटिंग इन द मिडल ऑफ द फोरहेड प्रकृति, वो सारे शरीर का संचालन करती है। Controls the entire body. इस सारे शरीर को संचालन करने वाली आत्मा के स्वरूप में हम क्यों नहीं टिक पाते? Why aren't we able to stabilize in the form of the soul which controls the entire body? उसका कारण है 63 जन्मों का देह अभिमान। The reason for this is the body consciousness of 63 births. 63 जन्मों से देह अभिमानी धर्म पिताओं ने आकर के जो देह भान फैलाया है, वो देह भान के संग के रंग में हम आ गए। For 63 births, we were colored by the company of the body consciousness that was spread by the body conscious religious fathers after coming. उनके आने से पहले हम आत्मा अभिमानी थे। Before their arrival, we were soul conscious. सब देवताएं आत्मा अभिमानी थे। All the deities were soul conscious.
आत्माभिमानी होने के कारण वो स्वर्ग में थे। बिकॉज ऑफ बींग सोल कॉन्शियस देवर इन हेवन स्वर्ग, क्योंकि स्वस्थिति में थे। सिंस देवर इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ स्वस्थिति, स्वस्थिति में गए थे। दे वेंट इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ, इसलिए उनके रहने के स्थान का नाम पड़ा स्वर्ग। देयरफॉर द प्लेस ऑफ देयर रेजिडेंस वॉज नेम्ड स्वर्ग। अब हम आत्मिक स्थिति से नीचे गिर गए संघ के रंग में आकर के। नाउ वी हैव फॉलन डाउन फ्रॉम द सोल कॉन्शियस स्टेज ड्यू टू कमिंग इन द कलर ऑफ द कंपनी। और इतने नीचे गिर गए कि हम चाहते हुए भी पापों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। एंड वी फेल डाउन सो मच दैट वी कांट ऑब्टेन लिबरेशन फ्रॉम सिंस इवन इफ वी वॉन्ट टू। हम चाहते हैं, अंदर से भाषणा आती है कि अब हम पाप नहीं करेंगे। वी वॉन्ट टू, वी फील विद इन वी वॉन्ट कमिट सिंस नाउ। लेकिन पाप की परिभाषा ही नहीं मालूम। बट वी डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ सिंस इटसेल्फ। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये हमें पता ही नहीं चलता। वी डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल वॉट अ सिन इज एंड वॉट अ नोबल डीड इज। तो बाप पहले पहले ही आकर के ज्ञान देते हैं। सो द फादर कम्स एंड गिव्स दिस नॉलेज एट फर्स्ट कि पाप का मूल अर्थात बाप है देह अभिमान। दैट द रूट मीनिंग द फादर ऑफ सिंस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। मैं देह अभिमानी नहीं बनता हूँ। आई डोंट बिकम बॉडी कॉन्शियस, माने आत्माओं का जो बाप है वो देह अभिमानी नहीं बनता। इट मीन्स द फादर ऑफ द सोल्स डजंट बिकम बॉडी कॉन्शियस। मन शरीर में आता है। दो ही कम्स इन अ बॉडी, रामकृष्ण के शरीर में प्रवेश करता है। दो ही एंटर्स द बॉडी ऑफ राम एंड कृष्णा, कृष्ण के अंतिम जन्म के चोले में प्रवेश करता है, ब्रह्मा नाम देता है। वेन ही एंटर्स द बॉडी ऑफ कृष्णा इन द लास्ट बर्थ ही नेम्स हिम ब्रह्मा। उसके द्वारा अभी तो पाप करने की तो कोई बात ही नहीं। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कमिटिंग एनी सिन थ्रू हिम एट ऑल, क्योंकि कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ब्रह्मा से पैदा हुआ, बिकॉज नो ब्रह्मा कुमार कुमारी हु वॉज बोर्न थ्रू ब्रह्मा, वो आज तक ऐसा कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं मिला, चाहे वो कुकवंशावली हो। टिल टूडे नो सच ब्रह्मा कुमार कुमारी हैज बीन फाउंड, वेदर ही इज कुकवंशावली मीनिंग लैब बोर्न प्रोजेनी, चाहे मुखवंशावली हो जो ये कहे कि ब्रह्मा ने हमको दुख दिया, और मुखवंशावली माउथ बोर्न प्रोजेनी हु वुड से ब्रह्मा गेव अस सोरो, ब्रह्मा ने हमको टेढ़ी नजर से देखा। ब्रह्मा गेव अस एन एंग्री लुक, ब्रह्मा ने हमको अशांति पैदा कर दी। ब्रह्मा क्रिएटेड रेस्टलेसनेस इन अस, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा। नो ब्रह्मा कुमार कुमारी विल से दिस, तो माँ का जो पार्ट है वो ब्रह्मा के रूप में परमात्मा शिव ने बखूबी निभाया। सो द सुप्रीम सोल शिव नाइसली प्लेड द पार्ट ऑफ द मदर थ्रू द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा। लेकिन होता क्या है कि बच्चे दो तरह के होते हैं। बट वॉट हैपन्स इज दैट द चिल्ड्रन आर ऑफ टू टाइप्स, एक कुछ आत्माएं ऐसी होती है, वन काइंड इज सच सोल्स, कि उन्हें कितनी भी पढ़ाई पढ़ाई जाए तो वे अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। दैट नो मैटर हाउ मच दे आर टॉट दे डोंट लीव देयर बॉडी कॉन्शियस फॉर्म, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दूसरे धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आई है। सिंस दे हैव कम इन कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन ऑफ द अदर रिलीजियस फादर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, तो जल्दी अपने देहवान को छोड़ नहीं पाती। देयरफॉर दे आरंट एबल टू गिव अप देयर बॉडी कॉन्शियसनेस सून, न छोड़ पाने के कारण वो आत्मिक स्थिति में टिके ही नहीं पाती। ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू गिव अप बॉडी कॉन्शियसनेस दे आरंट एबल टू स्टेबलाइज इन द सोल कॉन्शियसनेस एट ऑल। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो परमात्मा का ज्ञान मिलने के तुरंत बाद उस स्थिति में टिकना आरंभ कर देती है। वाइल सम सोल्स आर सच दैट सून आफ्टर रिसीविंग द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम सोल दे स्टार्ट टू बिकम स्टेबल इन दैट मीनिंग सोल कॉन्शियस स्टेज। वो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माएं जो सृष्टि की आदि में फाउंडेशन डालने वाली बनती है। दे आर द सोल्स ऑफ द सन डायनेस्टी एंड द मून डायनेस्टी हु बिकम द वंस टू ले द फाउंडेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। ज्ञान सूर्य शिव, वो राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है पहले पहले। द सन ऑफ नॉलेज शिव एंटर्स द सोल ऑफ राम एट फर्स्ट, इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैंने पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया। देयरफॉर इट इज रिटन इन द गीता आई गेव दिस नॉलेज टू द सन फर्स्ट। वो सूर्यवंशी राम वाली आत्मा वो बीज है मनुष्य सृष्टि का।
दैट सूर्यवंशी सोल ऑफ राम इज द सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड. वो बीज ऐसे नहीं है कि जैसे शिव है. दैट सीड इज नॉट लाइक शिव. शिव को तो जन्म मरण का चक्र लगता है, लगता नहीं है. शिव डजंट एंटर द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. और राम वाली आत्मा को जन्म मरण का चक्र लगता है. व्हाइल द सोल ऑफ राम एंटर्स द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. राम बीज है और उससे जो पहला पत्ता पैदा होता है वो कृष्ण की सोल है. राम इज द सीड एंड द फर्स्ट लीफ बॉर्न थ्रू हिम इज द सोल ऑफ कृष्णा. उसको भी जन्म मरण का चक्र लगता है. ही टू एंटर्स द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. तो राम कृष्ण जैसी जो आत्माएं हैं उनको भी जन्म मरण का चक्र लगता है. सो व्हेन द सोल्स लाइक राम एंड कृष्णा आल्सो एंटर द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. देह अभिमान में आती है, देह में बंधते बंधते, देह के सुख भोगते भोगते नीचे गिरती जाती है. बिकम बॉडी कॉन्शियस, फॉल डाउन व्हाइल बीइंग बाउंड इन द बॉडी, व्हाइल एंजॉयिंग प्लेजर्स थ्रू द बॉडी. तो और दुनिया की कोई आत्मा कैसे बच सकती है. देन हाउ कैन एनी अदर सोल इन द वर्ल्ड एस्केप इट, मीनिंग द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. किसी का सदाकाल के लिए निर्वाण कैसे हो सकता है. हाउ कैन समवन अटेन द निर्वाणा, मीनिंग स्टेज बियॉन्ड स्पीच फॉर एवर. मुक्ति कैसे हो सकती है. हाउ कैन दे बी लिबरेटेड. शास्त्रों में विद्वानों लिख दिया है कि सदाकाल की मुक्ति हो जाती है. द स्कॉलर्स हैव रिटन इन द स्क्रिप्चर्स दैट मुक्ति मीनिंग लिबरेशन इज अटेंड फॉर एवर. सदाकाल के लिए आत्मा जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है. द सोल बिकम्स फ्री ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर एवर. लेकिन अंदर से पूछे कोई आत्मा अपने अंदर झांक के देखे. बट इफ दे आस्क विद इन देमसेल्व्स, इफ सम सोल पीप्स विद इन इटसेल्फ एंड सीज कि वो आत्मा सुख चाहती है या दुख चाहती है. वेदर इट वॉन्ट्स हैप्पीनेस और सोरो. शरीर छोड़ना चाहती है, आत्मा के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है हमेशा के लिए. डज इट वॉन्ट टू लीव द बॉडी, डज इट वॉन्ट टू एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल फॉर एवर. या आत्मा के रहते रहते सुख भोगना चाहती. और डज इट वॉन्ट टू एंजॉय प्लेजर इन द प्रेजेंस ऑफ द सोल इन द बॉडी. तो सब यही कहेंगे कि हमारा शरीर न छूटे. देन ऑल विल से ओनली दिस दैट दे शुडंट लीव द बॉडी. शरीर भी रहे, आत्मा भी रहे. देयर बॉडी एज वेल एज द सोल शुड रिमेन. और आत्मा तो होती ही अविनाशी है. एंड द सोल इज इंडीड इम्पेरिशेबल. भले शरीर छूट जाता है तो आत्मा तो कभी खत्म हो नहीं सकती. दो द बॉडी इज लेफ्ट द सोल कैन नेवर पेरिश. परमात्मा के लिए कह देते हैं कि वो बार बार इस सृष्टि पर आ करके. फॉर द सुप्रीम सोल दे से ही कम्स टू दिस वर्ल्ड अगेन एंड अगेन. इस सृष्टि के मनुष्यों का उद्धार करता है, पतितों को पावन बनाता है. एंड अपलिफ्ट्स द ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड, प्यूरिफाइज द इम्प्योर वंस. और आत्माओं के लिए कहते हैं सदाकाल की मुक्ति हो जाए. व्हाइल फॉर द सोल्स दे से दैट दे शुड अटेन लिबरेशन फॉर एवर. जब आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच से सदाकाल के लिए मुक्त नहीं हो सकती. व्हेन सोल्स कैनॉट लिबरेट देमसेल्व्स फॉर एवर फ्रॉम दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड. ये सत्य है. दिस इज ट्रू. परमात्मा भी मुक्त नहीं हो सकता. द सुप्रीम सोल कैनॉट लिबरेट हिमसेल्फ ईदर. परमात्मा भी सृष्टि पर बांधा हुआ है कार्य करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए. Even the supreme soul is bound to this world to perform his task, to play his part. आत्माएं भी इस सृष्टि पर बांधी हुई है पार्ट बजाने के लिए. The souls also are bound to this world to play their part. लेकिन परमात्मा जो पार्ट बजाता है वो तुरिया पार्ट बजाता है. But the part played by the supreme soul is a unique तुरिया part. आत्माएं ऐसा तुरिया पार्ट नहीं बजा सकती. Souls cannot play a unique part like that. तुरिया माने बिल्कुल अलग. तुरिया मीन्स एब्सोल्युटली डिफरेंट. और आत्माओं के मुकाबले उस सुप्रीम सोल को संघ का रंग नहीं लगता. ये तुरिया पार्ट है. इन कंपैरिजन टू द अदर सोल्स द सुप्रीम सोल इज नॉट कलर्ड बाय द कंपनी. दिस इज अ यूनिक पार्ट. क्यों? क्योंकि वो गर्भ से जन्म नहीं लेता. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट बॉर्न थ्रू अ वूम्ब. गर्भ से जन्म क्यों नहीं लेता? व्हाई इजंट ही बॉर्न थ्रू अ वूम्ब? इसलिए नहीं लेता कि उसका पाप पुण्य बनता ही नहीं. ही इज नॉट बॉर्न थ्रू अ वूम्ब बिकॉज ही डजंट अक्यूमुलेट सिंस और नोबल डीड्स एट ऑल. वो 100% ऐसा कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है उस आत्मा में सदा सर्वदा के लिए, जिसके कारण उसको सदा शिव कहा जाता है. 100% नॉलेज इज फिल्ड इन दैट सोल इन सच अ ग्रेट मेजर फॉर एवर एंड ऑलवेज, ड्यू टू विच ही इज कॉल्ड सदा शिव.
मीनिंग फॉर एवर बेनेवोलेंट कि वो पाप कर्म कर ही नहीं सकता। ही कैन नॉट परफॉर्म अ सिन एट ऑल। किसी शरीर में प्रवेश करके जो भी बोलेगा सत्य ही बोलेगा। वट एवर ही सेज आफ्टर एंटरिंग अ बॉडी ही विल स्पीक ओनली द ट्रूथ। जो भी कर्म करेगा सत्य कर्म करेगा। वट एवर वर्क ही डज ही विल डू अ ट्रूथफुल डीड। जो भी वाइब्रेशन छोड़ेगा सत्य वाइब्रेशन छोड़ेगा। वट एवर वाइब्रेशन ही स्प्रेड्स ही विल स्प्रेड ट्रू वाइब्रेशन। जिन्हें जिन्हें भी दृष्टि से देखेगा हुम एवर ही सीज थ्रू द आईज वो सत्य दृष्टि सत्य सृष्टि का निर्माण करेगी। दैट ट्रू विजन विल क्रिएट अ ट्रू वर्ल्ड। कलयुग का निर्माण नहीं कर सकता। ही कैन नॉट क्रिएट द आयरन एज। परमात्मा आता है पाप की दुनिया को नष्ट करके और पुण्य आत्माओं की दुनिया बनाने के लिए। द सुप्रीम सोल कम्स टू डिस्ट्रॉय द सिंफुल वर्ल्ड एंड क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ नोबल सोल्स। ये काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। नो वन एल्स इन द वर्ल्ड कैन डू दिस वर्क। कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। रामकृष्ण की आत्मा भी ये कार्य नहीं कर सकती अगर परमात्मा उनमें प्रवेश न करे। नो ह्यूमन सोल कैन डू दिस वर्क। इवन द सोल्स ऑफ राम एंड कृष्णा कैन नॉट डू दिस वर्क इफ द सुप्रीम सोल डजंट एंटर देम। वो सुप्रीम सोल ही है जो इस सृष्टि को बदल सकता है अपनी दृष्टि से। इट इज ओनली द सुप्रीम सोल हु कैन चेंज दिस वर्ल्ड थ्रू हिज विजन। क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी प्रकार का ऐसा निष्कष्ट भाव आ ही नहीं सकता। बिकॉज नो काइंड ऑफ इन्फीरियर डिस्पोजिशन कैन इमर्ज इन हिज विजन एट ऑल। क्योंकि वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। सिंस ही इज नॉट बॉर्न थ्रू द वूम्ब। वो आता भी है तो श्रेष्ठ इंद्रियों की पैदाइश करना सिखाता है। इवन वेन ही कम्स ही टीचर्स टू रिप्रोड्यूस थ्रू एलिवेटेड ऑर्गन्स। श्रेष्ठ इंद्रियां है ज्ञान इंद्रियां। द एलिवेटेड ऑर्गन्स आर द सेंस ऑर्गन्स ज्ञानेन्द्रिया। आंख नाक कान मुख ये ज्ञान इंद्रिया। आईज नोज ईयर्स माउथ आर द सेंस ऑर्गन्स। इन ज्ञान इंद्रियों के प्यार से सृष्टि बनती है। द वर्ल्ड इज क्रिएटेड थ्रू द लव ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स। और ये धर्म पिताएं जब से आते हैं मनुष्य गुरु। एंड एवर सिंस द रिलीजियस फादर्स द ह्यूमन गुरुज अराइव तब से ये भ्रष्ट इंद्रियों का व्यभिचार फैलाते। दे स्प्रेड द अडल्ट्रेशन व्यभिचार ऑफ करप्ट ऑर्गन्स। उन भ्रष्ट इंद्रियों के व्यभिचार से जो संतान पैदा होती है जिसे मूत की पैदाइश कही जाए वो दुखदायी बनती चली जाती। द प्रोजेनी दैट इज बॉर्न थ्रू द अडल्ट्रेशन ऑफ द करप्ट ऑर्गन्स विच कैन बी कॉल्ड द प्रोजेनी बॉर्न थ्रू द यूरिन ऑफ लस्ट गो ऑन बिकमिंग सोरोफुल। शुरुआत में तो हर चीज सत्व प्रधान होती। इन द बिगिनिंग एवरीथिंग इज सत्व प्रधान कंसिस्टिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुडनेस एंड प्यूरिटी। द्वापर के याद में जब इब्राहिम आए और मूत की पैदाइश शुरू हुई। इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉपर एज व्हेन इब्राहिम अराइव्ड एंड द प्रोक्रिएशन थ्रू यूरिन बिगैन। उस समय ये पैदाइश भी इतनी दुखदायी नहीं थी सात्विक स्टेज में थी। इवन दिस मेथड ऑफ प्रोक्रिएशन वॉजंट सो सोरोफुल एट दैट टाइम। इट वॉज इन अ सात्विक मीनिंग ट्रू स्टेज। फिर धीरे धीरे दुखदायी बनती चली गई। देन ग्रेजुअली इट बिकेम सोरोफुल। पहले सतो प्रधान फिर सतो सामान्य फिर रजो और लास्ट में आकर के तामसी बन गई। इन द बिगिनिंग इट वॉज सतो प्रधान देन सतो सामान्य मीनिंग वेर देर इज ऑर्डिनरी गुडनेस एंड प्यूरिटी देन रजो डोमिनेटेड बाय द क्वालिटी ऑफ एक्टिविटी और पैशन एंड लास्टली इट बिकेम तामसी मीनिंग डिग्रेडेड। भगवान भी आकर के जो सृष्टि रचता है सत्य सृष्टि सतयुग की बनाता है। सिमिलरली वेन गॉड कम्स एंड क्रिएट्स द वर्ल्ड द ट्रू वर्ल्ड ऑफ सतयुग द गोल्डन एज विच ही क्रिएट्स वो भी पहले पहले 16 कला संपूर्ण होती है। इज कम्प्लीट विथ 16 सेलेस्टियल डिग्रीज इन द बिगिनिंग। 16 कला संपूर्ण जो सृष्टि बनाता है वो त्रेता के अंत में आकर के 8 कलाओं से भी नीची हो जाती है। द वर्ल्ड विच ही क्रिएट्स कम्प्लीट विथ 16 सेलेस्टियल डिग्रीज बिकम्स द वन विथ लेसर देन इवन 8 सेलेस्टियल डिग्रीज बाय द एंड ऑफ द सिल्वर एज। देहभान शुरू हो जाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस बिगिन्स। देह का सुख भोगते भोगते देवताएं अपने को देह समझ बैठते। While enjoying the pleasures of the body, the deities consider themselves as body. आत्मिक स्वरूप भूल जाता है। They forget the soul conscious form. तो आत्मिक स्वरूप भूला देह अभिमान में आया माना नरक में आया। So they forgot the soul conscious form and became body conscious
मीन्स दे केम इन हेल नरक. नरक क्यों कहा गया ना? व्हाई वाज इट कॉल्ड बाय द नेम नरक? नर माना मनुष्य, का माने करे. नर मीन्स ह्यूमन बीइंग, क मीन्स डस. मनुष्य जो कुछ करता है वो है नरक. वट एवर अ ह्यूमन बीइंग डस इज नरक. मनुष्य जो भी काम करेगा. वट एवर अ ह्यूमन बीइंग डस. जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है तो मनुष्य है. अंटिल ही ऑब्टेन्स द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम सोल ही इज अ ह्यूमन बीइंग. नर है. ही इज नर. नर जो भी करता है वो उल्टा ही काम करता है. वट एवर अ नर डस ही डस जस्ट ऑपोजिट वर्क. और भगवान उन मनुष्यों से ज्ञान देकर के जो कार्य कराता है तो उल्टा होता है. एंड द वर्क दैट गॉड इनेबल्स द ह्यूमन बीइंग्स टू डू आफ्टर गिविंग नॉलेज हैपेंस इन द राइट वे. उल्टा क्या होता है? नर को नारायण बनाता है. वट इज द राइट थिंग दैट हैपेंस? ही मेक्स नर इंटू नारायण. मनुष्यों के ज्ञान से, मनुष्य गुरुओं के ज्ञान से मनुष्य नीचे गिरते गिरते असुर बन गए, राक्षस बन गए. थ्रू द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन गुरुज, द ह्यूमन बीइंग्स ग्रेजुअली फेल डाउन, मीनिंग डिग्रेडेड एंड बिकेम डीमंस, दे बिकेम डेविल्स. कोई कर्म करेंगे तो पाप बन जाएगा. वेन दे परफॉर्म एनी वर्क दे विल अक्यूमुलेट सिन. कोई वाचा बोलेंगे तो पाप बन जाएगा. वेन दे से समथिंग दे विल अक्यूमुलेट सिन. किसी को दृष्टि से देखेंगे तो वृत्ति खराब हो जाएगी. इफ दे सी एनी वन थ्रू द आईज इट विल स्पॉइल देयर वाइब्रेशन वृत्ति. क्योंकि देवान भरा हुआ. बिकॉज दे आर फुल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस. जो भी वाइब्रेशन छोड़ेंगे उनमें कुछ न कुछ दुष्ट वाइब्रेशन मिक्स कर देंगे. वॉट एवर वाइब्रेशन दे इमिट दे विल मिक्स इविल वाइब्रेशन टू सम एक्सटेंट इन इट. जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें एक बूंद विष मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ पॉट फिल्ड विथ मिल्क एंड अ ड्रॉप ऑफ पॉइजन इज मिक्सड इन इट. तो धीरे धीरे सारा का सारा विष होता जाता है, वो विष फैलता जाता है. देन ग्रेजुअली द होल ऑफ इट बिकम्स पॉइजन. दैट पॉइजन गोज ऑन स्प्रेडिंग. भगवान निर्विष बनाता है इस सृष्टि. सो गॉड मेक्स दिस वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पॉइजन. निर्विष जिस स्वरूप के द्वारा इस सृष्टि को निर्विष बनाता है उस स्वरूप का नाम है विष्णु. द फॉर्म थ्रू विच ही मेक्स द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पॉइजन द नेम ऑफ दैट फॉर्म इज विष्णु. विष नो. विष नो. नो विष एट ऑल. ऐसी सृष्टि जो बनाए उसको कहते हैं विष्णु. No wish at all. Wish means poison. The one who creates such a world is called Vishnu. Mangalam Bhagwan Vishnu. Mangalam Bhagwan Vishnu. Sayings in bhakti meaning auspicious omens of God Vishnu. Kalyan hi kalyan paida kar deta hai us swarup ki vara. He brings only benefit through that form. Kyunki duniya mein pavitrata se hi sare karya hote hain. Because all the tasks are performed only through purity in the world. पवित्रता है तो सुख शांति है. When there is purity, there is happiness and peace. अपवित्रता है तो दुख अशांति. When there is impurity, there is sorrow and restlessness. तो ये दुख अशांति वाली दुनिया, पाप की दुनिया, इस दुनिया से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए. So, to achieve liberation from this world of sorrow and restlessness, the sinful world. आत्मा पुकारती है भगवान को इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल. द सोल कॉल्स गॉड टेक अस समवेयर फार अवे फ्रॉम दिस सिनफुल वर्ल्ड. ऐसे नहीं कि कलयुग के अंत में ही पुकारती है. इट इज नॉट दैट द सोल कॉल्स ओनली इन द एंड ऑफ द आयरन एज. और कलयुग के अंत में जब परमात्मा इस सृष्टि पर आ जाता है उसके बाद पुकारना हमेशा के लिए बंद हो जाता है. एंड व्हेन द सुप्रीम सोल कम्स इन दिस वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द आयरन एज द कॉलिंग स्टॉप्स फॉर एवर. नहीं, आने मात्र से तुरंत बंद नहीं हो सकता. नो, द कॉलिंग कैन नॉट स्टॉप एट वंस जस्ट आफ्टर हिज अराइवल. प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको किस तरीके. वी हैव टू प्रैक्टिस द सोल कॉन्शियस स्टेज. भगवान जब इस सृष्टि पर आता है. व्हेन गॉड कम्स इन दिस वर्ल्ड. तो आत्मा रूपी जो एक्टर्स हैं, उनको ज्ञान दे करके रंगमंच पर पार्ट बजाना सिखाता है. He gives knowledge to the actor-like souls and teaches them to play their part on the stage. ज्ञान देता है तो पहले ज्ञान भी सत्व प्रधान होता है. When he gives knowledge, the knowledge is also सत्व प्रधान at first. माने शूटिंग कराता है, रिहर्सल कराता है. It means
ही इनेबल्स द शूटिंग द रिहर्सल। चार युगों की रिहर्सल होती है ज्ञान मिलने के बाद। द रिहर्सल ऑफ फोर एजेस टेक्स प्लेस आफ्टर ऑब्टेनिंग नॉलेज। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। द फोर एजेस आर द गोल्डन एज, सतयुग, द सिल्वर एज, त्रेता, द कॉपर एज, द्वापर एंड द आयरन एज, कलयुग। सतयुग की जो सतो प्रधान शूटिंग होती है उसमें आत्माएं शूटिंग पीरियड में भी बड़ी शांत रहती है। इन द सतो प्रधान शूटिंग ऑफ द गोल्डन एज द सोल्स आर वेरी पीसफुल इन द शूटिंग पीरियड एज वेल। भले दुनिया वाले बड़े अशांत करते हैं तो भी अंदर से बड़ी खुशी रहती है। दो द वर्ल्डली पीपल ट्राई टू मेक देम वेरी रेस्टलेस दे मीनिंग द सोल्स आर वेरी हैप्पी विद इन। जैसे कराची में था, जस्ट लाइक इट वॉज इन कराची। कराची में जो फाउंडेशन पड़ा वो सतयुगी फाउंडेशन पड़ा। द फाउंडेशन दैट वॉज लेड इन कराची वॉज द गोल्डन एज फाउंडेशन। एक का संग था, दुनिया वालों का कोई संग का रंग नहीं लग रहा था। देर वॉज द कंपनी ऑफ द वन, दे वर नॉट बींग कलर्ड बाय द कंपनी ऑफ वर्ल्डली पीपल इन एनी वे। तो सात्विक शूटिंग हो गई। देर फोर अ सात्विक मीनिंग प्योर शूटिंग टुक प्लेस। और अभी एंड वॉट अबाउट नाउ, अभी ब्राह्मणों की कैसी शूटिंग हो रही है? What kind of shooting of the Brahmins is taking place now? चाहे बेसिक नॉलेज के ब्राह्मण हो, चाहे एडवांस पार्टी के ब्राह्मण हो, दोनों की हालत क्या है? Whether they are the Brahmins of the basic knowledge or the Brahmins of the advanced party, what is the condition of both? अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी निश्चय बुद्धि। They have a faithful intellect at one moment and a doubtful intellect in the next moment. सब एक जैसे नहीं है। All are not alike. कोई ज्यादा निश्चय बुद्धि की स्टेज में टिकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। Some stabilize in the stage of those with a faithful intellect more. They stabilize in that stage for a longer time. कोई को घड़ी घड़ी निश्चय आता है। While some develop doubt again and again. घड़ी घड़ी उनको संभालना पड़ता है। They need to be supported again and again. घड़ी घड़ी अगर ज्ञान योग में न टिके तो अवस्था बहुत ऊंची नीची होती रहती। If they don't stabilize in knowledge and yoga, meaning remembrance again and again, their stage goes up and down a lot. संग का रंग बहुत जल्दी लग जाता है। They are colored by the company very quickly. तो जब ऐसी तामसी स्टेज की शूटिंग होती है तो उसका भी अति होती है। So, when the shooting of such a tamsi stage takes place, it also reaches the extremity. अति होती है तो उसका अंत हो जाता है और फिर परमात्मा बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। When it reaches extremity, it ends and then the supreme soul father is revealed. अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे नहीं है कि 69 से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो परमात्मा बाप शिव ने पार्ट बजाना बंद कर दिया। नहीं। Now in the Brahmin world it is not so that ever since Brahma Baba left the body in the year 1969 the supreme soul father Shiv has stopped playing his part. No. वो गुप्त पार्ट He plays a secret part. प्रत्यक्ष होकर के पार्ट नहीं बजाता। He doesn't play the part openly. गुप्त होकर पार्ट बजाने की वजह से जो जितनी ज्यादा ज्ञानी आत्मा होती है वो उतना उस स्वरूप को पहचान पाती। Due to playing a part in secrecy, the more a soul is knowledgeable, it is able to recognize that form of God to that extent. और जितनी ज्यादा ज्ञानी होती है ज्ञान लेने के बाद भी अज्ञानता के कर्म करती है। And the more a soul is ignorant, even after taking knowledge, if it does ignorant activities, उतना परमात्मा पार से दूर रहती है और पहचान नहीं पाती। It remains away from the actor who plays the part of the supreme soul and is not able to recognize him. इसलिए भगवान बाप तो ये भी कहते हैं कि मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान सकते। Therefore, God the Father also says, the children who stay with me cannot recognize me. दिन रात साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं। They stay with me day and night. They eat with me. They drink with me. साथ में सोते हैं, साथ तरीके से साथ है। They sleep with me. They are with me in all the ways. कोई ये नहीं कह सकता कि साथ नहीं मिल रहा है, फिर भी पहचान पूरी नहीं होगा। Nobody can say that they are not getting my company, yet they are not able to have a complete recognition. और जब पहचान पूरी नहीं होती,
तो बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती है। एंड व्हेन दे डोंट गेट अ कंप्लीट रिकॉग्निशन द इंटेलेक्ट रन्स इन द आउटर वर्ल्ड। रहते हैं मधुबन में और बुद्धि रहती है उनकी बाहर की दुनिया में। दे स्टे इन मधुबन बट देयर इंटेलेक्ट रिमेन्स इन द आउटर वर्ल्ड। तो शूटिंग कहाँ की होगी, संकरण कहाँ का लगेगा? सो देयर शूटिंग विल बी ऑफ विच प्लेस? दे विल रिसीव द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ विच प्लेस? बाहर की दुनिया का संकरण लगेगा या परमात्मा बाप का संकरण लगेगा? Will they receive the color of the company of the outer world or will they receive the color of the company of the supreme soul father? बाहर की दुनिया का संकरण। They will receive the color of the company of the outer world. लंबे समय तक शूटिंग पीरियड में ये संकरण लगता रहा तो अंत मत सो गति कौन सी होगी? If they were influenced by this color of the company for a long time during the shooting period, what will be the final destination according to the final thoughts? क्या गति होगी? What will be their fate? बाहर की दुनिया वालों से प्राप्ति होगी या परमात्मा बाप से प्राप्ति होगी? Will they make attainment from those of the outer world or will they make attainment from the supreme soul father? बाहर की दुनिया में चले जाते। They go in the outside world. क्योंकि लंबे समय तक उनकी बुद्धि का योग बाहर की दुनिया में रहता है। Because the connection of their intellect remains in the outside world for a long time. इसलिए कहते हैं कि मधुबनवासी किसको कहा जाता है? दिस इज वाई इट इज सेड हु इज कॉल्ड अ मधुबनवासी मीनिंग रेसिडेंट ऑफ मधुबन। ऐसे नहीं कि जो मधुबन में सरेंडर होकर के रहते हैं। इट इज नॉट दैट दोज़ हू सरेंडर एंड लिव इन मधुबन, साथ साथ रहते हैं प्रैक्टिकल में साकार में वो मधुबनवासी है। दोज़ हू स्टे टुगेदर इन द कॉर्पोरियल फॉर्म इन प्रैक्टिकल आर मधुबनवासी। नहीं, नो, मधुबनवासी वो है जिनकी बुद्धि मधुबन में रहती है। मधुबनवासी आर दोज हुज इंटेलेक्ट रिमेन्स इन मधुबन, मधुबन से बाहर नहीं जाती। हुज इंटेलेक्ट डजंट गो आउट ऑफ मधुबन, भले गर्गस की माताएं हैं, दो दे आर द मदर्स लिविंग इन द हाउस होल्ड, बांधेली माताएं हैं, बंधन में पड़ी हुई है, दे आर मदर्स इन बॉन्डेज, दे आर टाइड टू द हाउस होल्ड, लेकिन उनकी बुद्धि का योग अगर मधुबन में बना रहता है बाप के घर में। If the connection of their intellect remains in Madhuban, in the father's home, तो कहते हैं कि वो ही मधुबनवासी। Then he says that it is they who are मधुबनवासीज। भले शरीर से बाहर की दुनिया में है लेकिन बुद्धि मन बुद्धि से मधुबन में है, तो मधुबनवासी। Though they are in the outside world with the body, but they are in Madhuban through the mind and the intellect, then they are मधुबनवासी। तो अंदर की बात और बाहर की बात बाहर बाहर से देखने में पहचान में नहीं आती। सो वॉट इज इन साइड एंड वॉट इज आउट साइड कैनॉट बी रिकोगनाइज बाई ऑब्जर्विंग ओनली फ्रॉम आउट साइड। हाँ, एक्ट में आते हैं, वाचा में आते हैं, बट यस व्हेन दे एक्ट व्हेन दे स्पीक तो पकड़ में आ सकते हैं कि इनकी बुद्धि बाहर रहती है या अंदर रहती है। इट कैन बी डिटेक्टेड वेदर देयर इंटेलेक्ट रिमेन्स आउटसाइड और इनसाइड, ये अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। आर दे इंट्रोस्पेक्टिव अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। जैसी स्थिति होगी वैसी शूटिंग होगी। द शूटिंग विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द स्टेट। लगातार की आत्मिक स्थिति बनाए रखेंगे तो अंतर्मुखी शूटिंग होगी। इफ दे मेंटेन अ सोल कॉन्शियस स्टेज कंटिन्यूअसली इट विल बी एन इंट्रोस्पेक्टिव शूटिंग। आत्मिक स्थिति से परे हो जाते हैं तो देह अभिमानियों का संकरण लगता है। When they go beyond the soul conscious stage, they are colored by the company of the body conscious ones. तो ज्ञान भी, ज्ञान मिलने के बाद भी चार अवस्थाओं से आत्माओं को पसार होना पड़ता है। So the knowledge also, even after receiving knowledge, the souls have to pass through four stages. चाहे वो advanced knowledge हो और चाहे वो basic knowledge हो। Whether it is the advanced knowledge or the basic knowledge which they receive. एडवांस नॉलेज में ज्ञानी आत्मा जरूर बनती है। इन द एडवांस नॉलेज द सोल डेफिनेटली बिकम्स नॉलेजेबल, लेकिन कोई ये गारंटी नहीं है कि पवित्र आत्मा ही बन जाए। बट देर इज नो गारंटी दैट इट विल बिकम अ प्योर सोल। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय बहुत है कहते तो है। दिस इज वाई ही इंडीड सेज नॉलेजेबल सोल्स आर वेरी डियर टू मी। लेकिन प्रिय होने के बावजूद भी वो पावन क्यों नहीं बन जाती? बट इवन आफ्टर बींग डियर वाई डोंट दे बिकम प्योर? वो रुद्रमाला के मणके जो रुद्र भगवान के साक्षात बच्चे बनते हैं। द बीड्स ऑफ द रुद्रमाला
द रोजरी ऑफ रुद्र हु बिकम द कॉर्पोरियल चिल्ड्रन ऑफ गॉड रुद्र. जो रुद्र भगवान का ज्ञान का वर्षा पूरा पूरा उठाते हैं, नंबर वार उठाते हैं. हु टेक द कम्प्लीट इनहेरिटेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड रुद्र. हु टेक इट नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. फिर वो सुखी सृष्टि क्यों नहीं अनुभव करते. वाई डोंट दे एक्सपीरियंस अ हैप्पी वर्ल्ड. वो भी दुख में क्यों अनुभव करते हैं. वाई डू दे टू एक्सपीरियंस देमसेल्व्स टू बी इन सोरो. स्वर्ग का अनुभव क्यों नहीं करते. वाई डोंट दे एक्सपीरियंस हेवन. इसलिए नहीं करते कि जो असली पढ़ाई है, पढ़ाई का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते. इट इज बिकॉज दे डोंट अटेन द एम ऑफ द स्टडी, द रियल स्टडी. पढ़ाई का लक्ष्य ये नहीं है कि हम ज्ञानी बन जाएं. द एम ऑफ द स्टडी इज नॉट दैट वी शुड बिकम नॉलेजेबल. ज्ञानी तो रावण भी था. इवन रावण वॉज नॉलेजेबल. प्रकांड विद्वान था. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर. वेदों शास्त्रों का भंडार उनके हाथों में दिखाया जाता है. लॉट्स ऑफ वेदास एंड स्क्रिप्चर्स आर शोन इन हिज हैंड्स. रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाई जाते हैं. वेदास एंड स्क्रिप्चर्स आर शोन इन द हैंड्स ऑफ रावण. जैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, रावण के हाथ में भी दिखाए जाते हैं. जस्ट लाइक वेदास एंड स्क्रिप्चर्स आर शोन इन द हैंड्स ऑफ ब्रह्मा, दे आर शोन इन द हैंड्स ऑफ रावण टू. माने प्रकांड विद्वान था लेकिन कर्म खराब थे. इट मीन्स ही वॉज इंडीड अ ग्रेट स्कॉलर बट हिज एक्शंस वर बैड. तो ज्ञान हो और आचरण में अगर न उठाया जाए तो वो रावण का ज्ञान हो जाता. सो इफ देर इज नॉलेज एंड इट इज नॉट पुट इन प्रैक्टिस, इट बिकम्स द नॉलेज ऑफ रावण. ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में धारण होना चाहिए. द नॉलेज शुड बी पुट इन प्रैक्टिस इन द प्रैक्टिकल लाइफ. प्रैक्टिकल जीवन में अगर ज्ञान धारण है तो वो देवता बन सकते हैं. इफ द नॉलेज इज पुट इन प्रैक्टिस इन द प्रैक्टिकल लाइफ, समवन कैन बिकम अ डीटी. धारणा में नहीं आता है तो वो देवता बन नहीं सकता. इफ इट इज नॉट पुट इन प्रैक्टिस ही कैन नॉट बिकम अ डीटी. इसलिए रुद्रमाला के मण के. देयरफॉर एज रिगार्ड्स द बीड्स ऑफ द रुद्रमाला, द रोजरी ऑफ रुद्र. रुद्रमाला बनकर के तैयार हो जाती है ज्ञानी टू आत्माओं की. नंबर वन द रुद्रमाला ऑफ नंबर वाइज नॉलेजेबल सोल्स बिकम्स रेडी. लेकिन वो विजय माला नहीं कही जा सकती. बट इट कैनॉट बी कॉल्ड विजय माला, रोजरी ऑफ विक्ट्री. माना विकारों के ऊपर जीत पाली है ये नहीं कहा जा सकता. इट मीन्स इट कैनॉट बी सेड अबाउट देम दैट दे हैव गेन्ड विक्ट्री ओवर वाइसेस. क्योंकि लक्ष्य जो था पवित्र रहने का. बिकॉज द एम वॉज टू रिमेन प्योर. पवित्र बनो, योगी बनो. बिकम प्योर, बिकम योगी. ऐसे नहीं ज्ञानी बनो. इट इज नॉट सो, बिकम नॉलेजेबल. ज्ञान तो साधन है. नॉलेज इज द मीडियम. ज्ञान साधन से आत्मा जितनी ज्ञानी होगी उतना परमात्मा के स्वरूप को ज्ञाता होने के कारण. थ्रू द मीडियम ऑफ नॉलेज द मोर द सोल बिकम्स नॉलेजेबल बिकॉज ऑफ बींग अ नोअर. जानकारी होने के कारण वो परमात्मा को ज्यादा याद करेगी. बिकॉज ऑफ हैविंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम सोल, इट विल रिमेम्बर द सुप्रीम सोल मोर. ज्यादा याद करेगा तो पाप कर्म जास्ती भस्म होंगे. इफ इट रिमेम्बर्स मोर द सिंस विल बी बर्न टू एशेस मोर. पाप कर्म जब जास्ती भस्म होंगे तो आत्मा हल्कापन महसूस करेगी. वेन मोर सिंस आर बर्न टू एशेस द सोल विल एक्सपीरियंस लाइटनेस. लेकिन ये भी है कि अगर पाप कर्म कर लिया तो 100 गुना बोझ भी चढ़ता है. बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट इफ वी कमिट अ सिंफुल डीड वी ऑल्सो अक्यूमुलेट 100 times बर्डन. तो इस बात में बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा. सो वी विल हैव टू स्टे वेरी अलर्ट इन दिस केस. क्या कि पाप क्यों हो जाता है. वॉट वाई इज अ सिन कमिटेड. पाप हो जाता है संग दोष और अनु दोष से. सिंस आर कमिटेड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड कंपनी, संग दोष एंड बैड फूड, अन्न दोष. लगातार अन्न दोष से बचे रहे. वी सेव अवर सेल्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड फूड. और बीच में कहीं कोई ऐसा हो जाता है कि अन्न दोष में चक्री में आ गए. एंड एट सम ओकेजन इन बिटवीन इट सो हैपन्स दैट वी कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड फूड. तो भाई से बुद्धि खराब होने लगी. सो द इंटेलेक्ट बिगन्स टू बी स्पॉइल्ड फ्रॉम दैट वेरी टाइम. अन्न जो है बुद्धि को नष्ट करता है. दैट फूड स्पॉइल्स द इंटेलेक्ट. दोष को बहुत जल्दी पकड़ता है. इट कम्स अंडर बैड इन्फ्लुएंस वेरी क्विकली.
जैसे संग दोष को पकड़ता है वैसे अन्य भी दोष को पकड़ता है। जस्ट लाइक द कंपनी कम्स अंडर बैड इन्फ्लुएंसेस, फूड ऑल्सो कम्स अंडर बैड इन्फ्लुएंसेस। इसलिए जितना कायदा उतना फायदा। हेंस द मोर वी फॉलो रूल्स द मोर वी विल बी बेनिफिटेड। अपनी आत्मा के शक्ति को भी देखना पड़ता है। वी हैव टू चेक द पावर ऑफ अवर सोल टू। कोई में आत्मा की शक्ति है? इफ समवन हैज पावर इन द सोल, कि वो किसी के साथ है उसका कल्याण करने के लिए थोड़े समय के लिए उस आत्मा के कल्याण के हिसाब से अन्य दोष में आ भी जाता है। दैट इन ऑर्डर टू ब्रिंग बेनिफिट टू समवन इवन इफ ही कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड फूड। लेकिन याद में खूब रहता है, अंदर की अलर्टनेस पक्की है। बट रिमेन्स इन रिमेम्बरेंस अलॉट हिज अलर्टनेस विद इन हिज फर्म। मोह में माया में नहीं फंसता। ही डजंट एंटैंगल हिमसेल्फ इन अटैचमेंट इन माया, उन आत्माओं के अटैचमेंट में नहीं आता। ही डजंट डेवलप अटैचमेंट टू दोज सोल्स, ऊपर ऊपर से व्यवहार करता है तो बच जाता है। ही डील्स विद देम सुपरफिशियली देन ही इज सेव्ड। अगर अटैचमेंट में आ गया, इफ ही डेवलप्ड अटैचमेंट और अन्य दोष भी कर लिया, संग में भी आ गया। इफ ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड फूड एज वेल एज केम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड कंपनी टू, तो नहीं बच सकता। ही कैनॉट बी सेव्ड। तो आत्मा जो है पुरुषार्थ करती है, लेकिन पुरुषार्थ करते करते पाप का ध्यान बहुत रखना पड़े। सो द सोल्स इंडीड डू पुरुषार्थ मीनिंग स्पिरिचुअल एफर्ट, बट वाइल मेकिंग पुरुषार्थ दे विल हैव टू बी वेरी अलर्ट अबाउट सिंस। संग दोष में आती है तो पाप हो ही जाता है। इफ दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड कंपनी सम सिन इज सर्टनली कमिटेड। और जिनके संग में आती है उनका अन्न भी खाना पड़ता है। इन एडिशन दे ऑल्सो हैव टू ईट द फूड ऑफ द वंस इन हुज कंपनी दे कम, नहीं तो नाराज हो जाते। अदरवाइज दे आर डिसप्लीज्ड। तो आत्मा अंदर से चिल्लाती है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। सो द सोल शाउट्स फ्रॉम विद इन टेक अस समवेयर फार अवे फ्रॉम दिस सिंफुल वर्ल्ड। बहुत दूर ले जा, इनके संग के रंग में आना ही न पड़े जो हम नीचे गिरे। टेक अस वेरी फार अवे सो दैट वी डोंट हैव टू कम इन देयर कंपनी एट ऑल दैट वी मे फॉल डाउन। आत्म की स्थिति में रहने वाले जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी ऐसे कहने लग पड़ते। दोज़ हू रिमेन इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज, दोज़ हू प्रैक्टिस दिस ऑल्सो स्टार्ट सेइंग दिस। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब फिर परमात्मा को अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। When such a condition arises, the supreme soul has to reveal his form. गुप्त पार्ट में जाता है, फिर प्रत्यक्ष पार्ट में जाता है। He plays a secret part and then he plays a revealed part. जब प्रत्यक्षता होती है तो फिर सभी पहचान जाते हैं। When the revelation takes place, everyone recognizes him. वो कोई बड़ी बात नहीं है। It is not a big thing. सूर्य उग करके सामने आ गया फिर पहचान लिया तो कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। इफ दे रिकॉग्नाइज आफ्टर द सन हैज रिजन एंड कम इन फ्रंट ऑफ देम, इट इज नॉट अ बिग पुरुषार्थ। इसलिए कहते हैं सूर्य उगने से पहले जो वेला होती है वो अमृत वेला होती है। दिस इज व्हाई इट इज सेड द टाइम बिफोर द सन राइजेस इज अमृत वेला, मीनिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स। उस अमृत वेला में अमृत बरसता है। नेक्टर शावर्स इन दैट अमृत वेला। वो अमृत जिसने पिया वो अमर हो जाता है। Whoever drinks that nectar becomes immortal. तो अभी ज्ञान सूर्य गुप्त है। Now the sun of knowledge is hidden. जल्दी ही टाइम आने वाला है कि प्रत्यक्षता होने वाली है। The time of revelation is going to arrive soon. जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है उस टाइम में अंतिम समय में जिसने पुरुषार्थ कर लिया है। Whoever makes purushartha in the little time that is left in the end time, और पुरुषार्थ करके ऊंचा भाग्य बनाई लिया, and creates a great fortune by making purushartha, तो उसके लिए कहेंगे वाह वाह। It will be said for him वाह वाह। जैसे कोई एग्जाम देते हैं तो सारी वर्ष पढ़ाई पढ़े या न पढ़े। Just like when someone gives exam, whether he studies for the complete year or not. लेकिन एग्जाम होने के टाइम से पहले वो पढ़ाई पढ़ लेता है रात दिन जाग करके। बट जस्ट बिफोर द एग्जाम्स ही स्टडीज अ लॉट बाय स्टेइंग अवेक डे एंड नाइट।
तो अच्छा नंबर पा जाता है। सो ही ऑब्टेन्स अ गुड नंबर। ऐसे ही यहाँ द सेम थिंग इज अप्लीकेबल हियर टू। अभी टाइम अंत समय का चल रहा है। नाउ द एंड टाइम इज गोइंग ऑन। कोई कोई ऐसी ऐसी भाग्यशाली आत्माएं हैं कि अंत समय में ही आ रही है एडवांस में। देर आर सच फॉर्चुनेट सोल्स हु आर कमिंग इन द एंड टाइम इन द एडवांस पार्टी। जो एडवांस में आती हैं उनकी शिफ्ट ये होती है मोस्टली ऐसी आत्माएं कि वो आदि में भी थी। दोज हु कम इन द एडवांस पार्टी हैव अ क्वालिटी दे आर मोस्टली द सोल्स हु वर प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ टू। लेकिन बीच में अभी एडवांस में नहीं आई है लंबे समय से। बट दे डिडंट कम इन द एडवांस पार्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम इन बिटवीन। नहीं आई है तो उनके लिए एक तरह से अच्छा ही है। दे डिडंट कम सो इट इज गुड फॉर देम इन अ वे। क्योंकि एडवांस में जो शुरू शुरुआत में आ गए और फिर विरोधी बन गए। बिकॉज दोज हु केम इन द एडवांस पार्टी इन द बिगनिंग एंड देन बिकेम ओपोनेंट्स ऑफ द फादर। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ। वर दे बेनिफिटेड और डिड दे सफर अ लॉस। ये तो बहुत भारी नुकसान हो गया। दे सफर्ड अ ग्रेट लॉस। सदगुरु निंदा कराने वाले बन गए। दे बिकेम द वंस हु डिफेम द सदगुरु। वो तो उस लिस्ट में आ गए जिसके लिए बोला गया सदगुरु निंदक ठौर न पावे। दे केम इन द लिस्ट ऑफ दोज फॉर हुम इट इज सेड दोज हु डिफेम द सदगुरु विल नॉट फाइंड अ प्लेस। जो सदगुरु की निंदा करने वाले हैं वो जो नई सृष्टि बनेगी उस नई सृष्टि में उनको नजदीक स्थान नहीं मिलेगा। दोज हु डिफेम द सदगुरु विल नॉट फाइंड अ प्लेस क्लोज टू द फादर इन द न्यू वर्ल्ड दैट विल बी क्रिएटेड। नजदीक स्थान नहीं मिलेगा, दूर का नंबर मिलेगा। दे विल नॉट फाइंड अ प्लेस नियर द फादर दे विल गेट अ डिस्टेंट नंबर। ठहर न पावे का मतलब जैसे अष्टदेव की माला है। दे विल नॉट फाइंड अ प्लेस मीन्स जस्ट लाइक द रोजरी ऑफ द अष्टदेव द एट डीटीज। तो अष्टदेव की माला में जिन्होंने एडवांस की शुरुआत में ग्लानी कर दी वो नहीं आ पाएंगे। सो दोज हु डिफेम द फादर इन द बिगनिंग ऑफ द एडवांस पार्टी विल नॉट बी एबल टू एंटर द रोजरी ऑफ द एट डीटीज। बारह की लिस्ट में आ सकते हैं। दे कैन कम इन द लिस्ट ऑफ द 12 सोल्स। सूर्यवंशियों की बारह की लिस्ट में आ सकते हैं। दे कैन कम इन द लिस्ट ऑफ द 12 सूर्यवंशीज मीनिंग दोज बिलोंगिंग टू द सन डायनेस्टी। क्योंकि बड़े तीव्र पुरुषार्थी हैं। बिकॉज दे आर वेरी फास्ट पुरुषार्थीज मीनिंग दोज हु मेक स्पिरिचुअल एफर्ट। वो इतने तीव्र पुरुषार्थी हैं कि अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे। दे आर सच फास्ट पुरुषार्थीज दैट दे आर अप इन पुरुषार्थ इन वन मोमेंट एंड डाउन इन द नेक्स्ट। और उनके फॉलोअर्स इस बात को नहीं समझ पाते। एंड देयर फॉलोअर्स आरंट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। वो उनको फॉलो करते हैं। दे फॉलो देम। फॉलो करने की वजह से वो उनके नीचे नीचे गति को पकड़ लेते हैं पहले। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग देम दे एक्वायर देयर लो स्टेज मीनिंग ऑफ अपोजिट एक्शंस फर्स्ट। दुर्गुणों को आदमी जल्दी पकड़ता है और सद्गुणों को जल्दी नहीं पकड़ पाता है। अ पर्सन एक्वायर्स बैड ट्रेड्स क्विकली बट इज अनेबल टू एक्वायर गुड क्वालिटीज क्विकली। माया का एक बहुत बड़ा सद्गुण है। माया हैज वन बिग गुड क्वालिटी। कौन सा? विच वन? Someone said she acquires bad traits quickly. माया दुर्गुणों को जल्दी पकड़ती है। Does Maya acquire bad traits quickly? ये सबसे बड़ा सद्गुण है। Is this the biggest good quality? माया का सबसे बड़ा सद्गुण है कि वो बाप को जब पहचान लेती है तो एक सेकंड नहीं लगाती है। The biggest good quality of Maya is that when she recognizes the father, she doesn't waste even a second. झट से समर्पण हो जाती है। She surrenders immediately. और ऐसे नहीं कि तन से और धन से ही समर्पित होती है। इन एडिशन इट इज नॉट दैट शी सरेंडर्स ओनली थ्रू द बॉडी एंड वेल्थ। तन से धन से मन बुद्धि से भी समर्पित हो जाती है। शी सरेंडर्स विद द बॉडी वेल्थ एंड द माइंड एंड द इंटेलेक्ट टू। तो ज्ञान लेने के बाद वो जितना जल्दी समर्पित हो जाता है मन बुद्धि से। सो द सूनर समवन सरेंडर्स थ्रू द माइंड एंड द इंटेलेक्ट आफ्टर टेकिंग द नॉलेज वो उतना ही ज्यादा पावरफुल आत्मा बन जाती है। He becomes a powerful soul to that extent. तो एक तरफ भगवान का पार्ट और एक तरफ माया का पार्ट। So
ऑन वन साइड देर इज द पार्ट ऑफ गॉड एंड ऑन द अदर साइड देर इज द पार्ट ऑफ माया. दोनों को सर्वशक्तिमान की सत्ता मिल जाती है. बोथ अटेन द पावर ऑफ बीइंग ऑलमाइटी. सर्वशक्तिवान भगवान भी सर्वशक्तिवान और उसकी बेटी भी. क्या टाइटल मिलता है? गॉड इज सर्वशक्तिवान एज वेल एज हिज डॉटर. व्हाट टाइटल डज शी गेट? वो भी सर्वशक्तिवान. शी टू इज सर्वशक्तिवान. तो पावरफुल हुई ना. सो शी इज पावरफुल इजंट शी. जो भगवान की पावर है वो उसके पास भी पावर आ गई. शी टू ऑब्टेंड द पावर दैट गॉड हैज. और जो शक्ति है पावर है उसी से सुख भोगा जाता है. एंड इट इज थ्रू द शक्ति द पावर दैट प्लेजर्स आर इंजॉयड. राज्य भोगा जाता है. द प्लेजर ऑफ द किंगडम इज इंजॉयड. शक्ति नहीं है आत्मा में. आत्मा में पावर ही नहीं है. इफ देर इज नो पावर इन द सोल एट ऑल तो जन्म जन्मांतर के लिए राजा ही भोगी नहीं जा सकती. इट कैन नॉट इंजॉय किंगशिप फॉर मेनी बर्थ्स. ये बात दूसरी है कि माया की पावर मायावी पावर है. इट इज अ डिफरेंट थिंग दैट द पावर ऑफ माया इज अ मायावी मीनिंग इल्यूसिव पावर. और देवताओं की दैवीय पावर है. व्हाइल द पावर ऑफ डीटीज इज डिवाइन पावर. जो ईश्वर से डायरेक्ट मिलती है. विच इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम गॉड. उसमें अंतर पड़ जाता है. अ डिफरेंस इज क्रिएटेड इन दैट. वो मायावी दुनिया में ज्यादा सुख भोगती है राजी करती है. शी इंजॉयज हैप्पीनेस मोर इन द मायावी वर्ल्ड. शी रूल्स देयर. शूटिंग का हिसाब देखा जा सकता है. इट कैन बी सीन इन द कैलकुलेशन ऑफ द शूटिंग. शूटिंग के हिसाब में. एज पर द कैलकुलेशन ऑफ द शूटिंग. ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी आत्मा है जो लंबे समय से राजी कर रही है. विच इज द सोल इन द ब्राह्मण वर्ल्ड हु हैज बीन रूलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. गद्दी पे बैठी हुई. हु हैज टेकन द सीट ऑफ द रूलर. आरा बुद्धि. इज इट कमिंग टू योर इंटेलेक्ट. है कौन? हु बेसिक में कौन है? हु इज इट इन द बेसिक नॉलेज. है समवन सेड दादी प्रकाश मणि. है ना? शी इज इजंट शी. बेटी है नाम उसका. बेटी माना कुमारी. हर नेम इज डॉटर. डॉटर मीन्स कुमारी. कुमार का नाम है ना. हर नेम इज कुमारिका इजंट इट. और जब बाबा जीवित थे तो भी मुरली में बोला है सब सितारों में सबसे जास्ती खाते ही किसकी होती है? कुमार का. एंड व्हेन ब्रह्मा बाबा वॉज अलाइव ही सेड इन द मुरली हु इज गिवन द मोस्ट रिगार्ड अमंग ऑल दी स्टार्स? कुमार का. उस समय भी दिल पे चढ़ी हुई थी. शी हैड अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ ब्रह्मा बाबा एट दैट टाइम इट सेल्फ. और उस आत्मा का समान पुरुषार्थ ही हुई. एंड द सोल हुज पुरुषार्थ वॉज इक्वल टू हर. विश्व किशोर भाव वो भी बाबा के दिल पे चढ़े हुए. विश्व किशोर भाव ऑल्सो हैड अ प्लेस इन बाबाज हार्ट. धन संपत्ति सारी उसकी उसकी निगाह में रहती थी. यज्ञ में जो भी भंडार था. ऑल द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑल द स्टॉक दैट वॉज इन द यज्ञ यूज्ड टू बी अंडर हिज सुपरविजन. कोई बड़ा काम करने के लिए बाबा उसको भेजते थे पहले. टू परफॉर्म एनी बिग टास्क बाबा यूज्ड टू सेंड हिम फर्स्ट. जैसे कराची छोड़ करके जब हिंदुस्तान आए. जस्ट लाइक व्हेन दे लेफ्ट कराची एंड केम टू हिंदुस्तान मीनिंग इंडिया. बड़े जहाज में माल डाल और बच्चों को लेकर के बाबा जब आए बम्बई में. When Brahma Baba came to Bombay along with all the materials and children in a big ship. तो बम्बई से सबसे पहले विश्वेश्वर भाऊ को भेजा कि जाओ बड़े शहरों में खोजो जाके कहीं कोई बड़ी बिल्डिंग मिल जाए. He sent Vishwakishore Bhau at first from Bombay saying, "Go and search in big cities. If you can find a big building somewhere." अहमदाबाद जाओ पहले. Go to Ahmedabad, a place in Gujarat first. पहले अहमदाबाद भेजा. He sent him to Ahmedabad first. देखो जाके कोई स्थान. He told him, search for some place there. विश्वकिशोर भाऊ को वहाँ स्थान ही नहीं मिला. विश्वकिशोर भाऊ didn't find a place over there at all. अहमदाबाद में कोई स्थान नहीं मिला. ऐसा कोई बड़ा बंगला मिला नहीं. He didn't find any such place in Ahmedabad. He didn't find any big bungalow there. फिर किसी ने उनके कान में ऐसा बताया कि वो एक बंगला वहाँ माउंट आबू में खाली पड़ा है. पोखरान हाउस. Then he heard from someone that a bungalow was vacant at Mount Abu named Pokhran House. Kisi raja ka bungalow. It was a bungalow of some king. Wahan jaane se wo mil gaye.
When he went there, he found it and obtained it. तो कोई भी बड़ा कार्य करते थे बाबा तो विश्व स्वरूप भाव को आगे रखते थे. So whenever Baba used to perform any big task, he sent Vishwakishar Bhau ahead. वफादार बच्चा था बाबा. He was a faithful child of Baba. वफादारी जानवरों में भी होती है, ऐसे नहीं मनुष्यों में ही होती. Animals also are faithful. It is not that only the human beings are like this. जानवरों में कोई ऐसा जानवर है जो बहुत वफादार होता है? Is there any animal among the animals who is very faithful? कौन सा? Which one is it? कुत्ता है. कुत्ता क्या हम क्यों ले लिया? It is the dog. Why did you take the name of dog? है कुत्ते में दुर्गुण है, व्यभिचार के दुर्गुण ज्यादा है, फिर भी उसमें सद्गुण भी है. Dog has bad traits. It has more bad traits of adulteration. Yet it has good qualities as well. जैसे माया में दुर्गुण भी है तो माया में एक सद्गुण सबसे ज्यादा है. Just like Maya has bad traits and Maya has the most of a good quality. कि उसकी बुद्धि में जब कन्फर्मेशन हो जाता है तो वो देर नहीं लगाती. That when something is confirmed in her intellect, she doesn't delay to act. माया है विदेशी, माया रावण है विदेशी और राम बाप है स्वदेशी. माया इज विदेशी फॉरेनर. माया रावण इज विदेशी एंड द फादर राम इज स्वदेशी मीनिंग कंट्री मैन और बिलोंगिंग टू वंस ओन कंट्री. फॉरन कौन करता है? हु एक्ट्स क्विकली. जो फॉरन करता है वो फॉरेनर. द वन हु एक्ट्स क्विकली फॉरन इज अ फॉरेनर. ज्ञान मिला अब फॉरन से फैसला ले लिया उसके कहते हैं फॉरेनर. समवन रिसीव्ड द नॉलेज एंड ही टुक अ डिसीजन क्विकली ही इज कॉल्ड अ फॉरेनर. भारत की कन्याएं होंगी तो 20 बार सोचेंगी, जल्दी नहीं सरेंडर होती. इफ दे आर इंडियन गर्ल्स दे विल थिंक 20 टाइम्स. दे डोंट सरेंडर क्विकली. घिस घिस बहुत लगते दे थिंक अ लॉट. फॉरेन की कन्या होगी अगर बुद्धि में पट से बैठ जाएगी तो पट से सरेंडर हो जाएगी. इफ देर इज अ गर्ल फ्रॉम द फॉरेन कंट्री इफ इट सिट्स इन हर इंटेलेक्ट क्विकली शी विल सरेंडर क्विकली. फॉरेन माने फॉरेन. फॉरेन मीन्स फॉरेन मीनिंग क्विकली. और हिंदुस्तान में ये परंपरा है कि माना जाता है कोई काम करो तो जल्दी मत करो. While there is a tradition in Hindustan, meaning India, it is believed if you do any work, don't hurry. अच्छी तरह से सोच समझ के फिर कदम उठाओ. Think nicely and then put your step forward. ऐसा ना हो कदम उठाने के बाद फिर पीछे आना पड़े, वापस आना पड़े. It should not be that you will have to come back after stepping forward. You will have to return back. अगर कदम उठाने के बाद वापस आना पड़ा तो मामला बिगड़ जाएगा. इफ यू हैव टू कम बैक आफ्टर पुटिंग द स्टेप फॉरवर्ड द केस विल बी स्पॉइल्ड. जैसे फॉरेनर्स एडवांस पार्टी शुरू होती है और फॉरेनर्स बाप को प्रत्यक्ष करते हैं. जस्ट लाइक फॉरेनर्स व्हेन द एडवांस पार्टी बिगिंस द फॉरेनर्स रिवील द फादर. क्योंकि नियम बना हुआ है विदेशी ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं. Since there is a rule that the Videshis themselves reveal the father. तो धड़ाक से कूद तो पड़ते हैं, फैसला तो ले लेते हैं. So they indeed jump at once, they do take a decision. लेकिन पूरी पहचान नहीं हो पाती जल्दी. But they are unable to have the complete recognition quickly. पूरी पहचान न होने के कारण फिर बाद में बंदर खाते हैं. अरे ये तो ये क्या हुआ? Because of not having the complete recognition, they wonder later on, "Arey, what happened?" ये तो हमने समझा ही नहीं. We didn't understand this at all. जब बात को समझा नहीं, तो उन्हें संशय पैदा हो जाता है. Since they didn't understand the topic, they developed doubt. संशय बुद्धि विनश्यते. Those with a doubtful intellect are destroyed. संशय बुद्धि विनश्यते. ऐसी विनश्यति की स्टेज में आते हैं कि विरोध ही विरोध, विरोध ही विरोध. They come in such a stage of being destroyed that they just keep opposing. तो पद नीचा हो जाता है. So their post degrades. तो बजाय पद नीचा करने के क्या करना चाहिए? So instead of lowering down our position, what should we do? अच्छी तरह सोच समझ के फिर बुद्धि को, तन को, मन को समर्पित करना अच्छा है. It is better to surrender the intellect, the body, the mind after thinking and understanding properly. इसलिए भारतवासी विजयी हो जाते हैं
और विदेशी माया उसको हार खानी पड़ती है। देयरफॉर द भारतवासीज बिकम विक्टोरियस एंड द फॉरेनर माया हैज टू फेस डिफीट। माया मा आया, माया मा आया, क्या नाम है? व्हाट इज द नेम? मा माने नहीं, संस्कृत में मा माने नहीं, आया माने आया। मा मीन्स नॉट इन संस्कृत लैंग्वेज एंड आया मीन्स कम। ना आई होती तो ज्यादा अच्छा था। इट वुड हैव बीन बेटर इफ शी हैडन्ट कम। बुद्धि में माया आ जाती है। माया एंटर्स द इंटेलेक्ट। माया आ जाती है और जल्दी जल्दी काम कराती है। माया एंटर्स एंड मेक्स अस डू द वर्क क्विकली। ये भी करो, वो भी करो, इधर करो, उधर करो, उधर करो। डू दिस एंड डू दैट, डू इट हियर, डू इट देयर, डू इट देयर। वो माया खराब कर देती है। माया स्पॉइल्स द इंटेलेक्ट। इसलिए हिंदुस्तान में ये कहावत है, जल्दी का काम शैतान का होता है। दस देयर इज अ प्रोवर्ब इन हिंदुस्तान, वट एवर इज डन इन हेस्ट इज द वर्क ऑफ अ डेविल। बहुत जल्दी नहीं करनी किसी काम में। वी शुड नॉट मेक मच हेस्ट इन एनी वर्क। अच्छी तरह से सोच समझ के, आफ्टर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, उसकी गहराई को आग पीछा देख करके, आफ्टर एनालाइजिंग इन डेप्थ एंड थिंकिंग अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, और फिर आगे बढ़ते रहना धीरे 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 धीरे। वी शुड मूव अहेड स्लोली, जैसे जू मिसल ड्रामा चलता है। जस्ट लाइक द ड्रामा गोज ऑन लाइक अ लाइस। बहुत से बच्चों को ये जल्दी होती है, अभी विनाश हो गया। मेनी चिल्ड्रेन आर इन अ हरी एंड थिंक द डिस्ट्रक्शन शुड टेक प्लेस नाउ इटसेल्फ। तो अभी विनाश हो जाए तो चल जाएगा क्या? विल इट बी ऑल राइट इफ द डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस नाउ? इतनी बड़ी दुनिया है, एकदम विनाश हो सकता है क्या? द वर्ल्ड इज सो बिग, कैन इट्स डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस एट वंस? टाइम तो लगेगा। इट विल सर्टनली टेक टाइम। अभी अभी स्थापना कब सती वो आएगा? दे थिंक द एस्टेब्लिशमेंट शुड टेक प्लेस नाउ इटसेल्फ। व्हेन विल द गोल्डन एज अराइव? इतने टाइम तो हो गया, लंबा लंबा। सच ए लॉन्ग टाइम हैज पास्ड। अरे जब धर्म पिताओं को अपने धर्म स्थापन करने में 100 वर्ष के अंदर का टाइम लग गया। अरे व्हेन द रिलीजियस फादर्स टुक नियरली 100 इयर्स टाइम टू एस्टेब्लिश देयर रिलीजन। तो भगवान आकर के इतना ऊंचा धर्म स्थापन करता है, देवी देवता सनातन धर्म कहा जाता है, उसमें टाइम तो लगेगा। सो व्हेन गॉड कम्स एंड एस्टेब्लिशेस सच एन एलिवेटेड रिलीजन कॉल्ड द एंशियंट डिटी रिलीजन, देवी देवता सनातन धर्म, इट विल इंडीड टेक टाइम। जमते जामते थोड़ा ही हो जाता है, क्या तेली पे आम जम जाएगा? नथिंग हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन, विल अ मैंगो ग्रो ऑन द पाम? थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, धैर्य धारण करना पड़ता है। वी हैव टू वेट अ लिटिल, वी हैव टू बी पेशेंट। बाबा बोलते भी रहते हैं, रिकॉर्ड भी बजाते रहते हैं, क्या? बाबा कीप्स सेइंग एज वेल एज ही हैज द रिकॉर्ड प्लेड, व्हाट? कौन सा रिकॉर्ड बजाते हैं? विच रिकॉर्ड डज ही प्ले? धीरज धर्मनुआ, धीरज है, तेरे सुख के दिन आवेंगे। हैव पेशेंस माई माइंड, हैव पेशेंस, योर डेज ऑफ हैप्पीनेस विल अराइव। अरे कलयुग में इतने जन्मों से दुख भोगते आए, द्वापर में कलयुग में। अरे यू हैव सफर्ड सोरो फॉर सो मेनी बर्थ्स इन द कॉपर एंड आयरन एजेस। तो अब ये लास्ट जन्म का बहुत टाइम तो बीत गया, थोड़ा सा समय रह गया। नाउ मच ऑफ द टाइम ऑफ द लास्ट बर्थ हैज पास्ड, अ लिटिल टाइम इज लेफ्ट। इसमें भी ये गारंटी, अगर सीमत पर चलते रहेंगे तो दुख अनुभव नहीं हो सकता। इवन इन दिस देर इज अ गारंटी दैट इफ यू कंटिन्यू टू फॉलो श्रीमत यू कैन नॉट फील सोरो। और मन मत पर और मनुष्य के मत पर चलेंगे तो दुख पकड़ लेता है, अशांति पकड़ लेती है। इफ यू फॉलो योर ओन ओपिनियन एंड द ओपिनियन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सोरो एंड रेस्टलेसनेस ग्रैब्स यू। बाबा डुरापा भी देते रहते हैं, मुरली में बोलते रहते हैं। बाबा कीप्स रिप्रोचिंग द चिल्ड्रन एज वेल, ही सेज इन मुरलीज, हेवनली गॉड फादर मिला है तो हेवन में होना चाहिए। व्हेन यू हैव फाउंड हेवनली गॉड द फादर यू शुड बी इन हेवन। फिर रोते क्यों है? देन व्हाई डू यू क्राई, दुखी क्यों होते हैं? व्हाई डू यू बिकम सैड, क्या कारण? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? हेवनली गॉड फादर मिला, व्हेन यू हैव फाउंड हेवनली गॉड द फादर, अरबपति बाप हो, मल्टी मिलियनेयर बाप हो, इफ द फादर इज अ बिलियनेयर, इफ द फादर इज अ मल्टी मिलियनेयर, और बच्चा पैसे पैसे के लिए दुखी हो, एंड हिज चाइल्ड बिकम्स सैड फॉर ईच पेनी, तो कोई कारण होगा ना? देयर विल बी सम रीजन, वोंट देयर? क्या कारण होगा? व्हाट विल बी द रीजन? कोई कारण होगा ना कि इतना दुखी क्यों है बच्चा, जब आरापति का बच्चा है तो।
There will be some reason, won't there? Why is the child so sad when he is the child of a billionaire? जरूर बाप की मत पर नहीं चलता होगा. Definitely he wouldn't be following the father's opinion. अपनी डबली अलग बजाएगा तो दूर हो ही जाएगा. If he beats his own drum separately, he will certainly be separated from the father. ऐसे ही यहाँ भी है. It is the same here as well. बाप सबसे जास्ती दबाव देते हैं इस बात पर. The father puts pressure on this fact the most. कि इस दुनिया में सब भ्रष्ट हैं. That all are corrupt in this world. जो आज बहुत प्यार दिखा रहे हैं. Those who are showing so much love today. वो कल इतने स्वार्थी बन जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि इतने इतने स्वार्थी ये हो सकते हैं. They will become so selfish tomorrow that we won't come to know at all that they can be so selfish. विश्वास ही नहीं कोई कर सकता ये ऐसे इतना नजदीक संबंधी इतना ऐसा अविश्वासी हो सकता है. No one can believe at all. Such a close relative can be so distrustful. Sample भी दे दिया यज्ञ के आदि का. A sample of the beginning of the yagya was also presented. साथ साथ तालों के अंदर बंद करके रखा इतना प्यार करते थे. They used to love them, meaning their wives, sisters, mothers, so much that they locked them in 7 locks. फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून की नदियाँ बहने लगी. Later when there was a war between Hindustan and Pakistan and the rivers of blood flowed, तो इतना भय पैदा हो गया कि कहाँ बहन है, कहाँ बेटी है, कहाँ पत्नी है, उनकी चिंता ही नहीं, उन्हें ध्यान ही नहीं दिया. They feared so much that they didn't worry, they didn't pay attention at all to where their sister was, where their daughter was, where their wife was. बाखड़े. They ran away. जैसे घर में कभी जोर से आग लगती है तो पता चलता है कि सच्चे माँ बाप कौन है और झूठे माँ बाप कौन है. Just like if the house is set on a big fire, we come to know who the true parents are and who the false parents are. सच्चाई होती है तो पहले बच्चों को बचाएंगे. If there is truth, they will save the children first. झूठे होते हैं तो अपनी जान लेकर भाग जाएंगे. If they are false, they will run away to save their life. बच्चों की परवाह नहीं करेंगे. They won't care for the children. ऐसे ही दुनिया. The world is the same. इस दुनिया में तो अभी झूठ और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है. Falsehood is increasing even more in this world now. सब झूठे बन जाते हैं, एक भी सच्चा नहीं रहता. All become false, not even a single person remains true. अगर सच्चा रहता भी है. And if someone remains true, तो सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो ही सच्चा साबित होता है. The one in whom the supreme soul enters in a permanent way alone proves to be true. इसलिए एक की कथा गाई हुई है, सत्यनारायण की कथा. This is why the story of the one is praised, the story of Satyanarayan, the true Narayan. Satya Lakshmi ki bhi katha nahi gayi hui. There is no story sung of Satya Lakshmi, the true Lakshmi either. 2,500 saal saath mein rahegi. She will stay together with Narayan for 2,500 years. Narayan wali atma ke saath kitna time saath mein rahegi? For how long will she stay with the soul of Narayan? 21 जन्म का साथ देता हूँ. आई गिव कंपनी फॉर 21 बर्थ्स. वो बाप होते हैं लौकिक बाप, वो तो ऐसी जोड़ी बनाते हैं. दोज फादर्स द लौकिक फादर्स मेक सच पेयर्स. किसी एक जन्म में पूरा साथ निभाए न निभाए, बीच में ही शरीर छोड़ के चली जाए या चला जाए. दैट देर इज नो गारंटी वेदर शी और ही विल मेंटेन द कंपनी कम्प्लीटली इन दिस वन बर्थ और नॉट. शी और ही मे लीव द बॉडी एंड गो अवे इन बिटवीन. और ये बेहद का बाप तो 21 जन्म का साथ देते. बट दिस अनलिमिटेड फादर गिव्स कंपनी फॉर 21 बर्थ्स. 21 जन्म की पक्की शादी कराते. ही अरेंजेस अ फिक्स्ड मैरिज फॉर 21 बर्थ्स. तो 2,500 साल साथ रहने वाली. सो द वन हु स्टेज टूगेदर विथ नारायण फॉर 2,500 ईयर्स. उसमें तो संघ का रंग सबसे जास्ती होना चाहिए. शुड बी कलर्ड बाय द कंपनी द मोस्ट. तो कलयुग के अंत में उसकी सत्यनारायण की सत्य लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं होती? Then why isn't the story of Satyalakshmi sung at the end of the Iron Age? क्योंकि वो भी कुछ न कुछ देहधारियों के प्रभाव में आ जाती है, झूठी बन जाती है. It is because she too comes under the influence of bodily beings to some extent. She becomes false. सच्चा होगा? If someone is true like gold, उसको आग
कोई परिवर्तन नहीं करेगी। फायर विल नॉट ब्रिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन हिम। उसमें खाद मिली हुई होगी चांदी की कॉपर की। इफ द अलॉय ऑफ सिल्वर कॉपर इज मिक्स्ड इन गोल्ड। तो उसमें अग्नि जो है अपना काम करेगी, जलाएगी। फायर विल डू इट्स वर्क ऑन इट, इट विल बर्न इट। खाद जलाई जाती है। द अलॉय इज बर्न्ट। सोना का क्या जलेगा, सोना तो सोना है। वॉट विल बर्न इन गोल्ड, गोल्ड इज आफ्टर ऑल जस्ट गोल्ड। 24 कैरेट का सोना होगा वो जो पाती हो रहेगा, उसमें परिवर्तन आना आने वाला नहीं। इफ द गोल्ड इज 24 कैरेट प्योर इट विल रिमेन एज इट इज, नो ट्रांसफॉर्मेशन विल बी ब्रॉट अबाउट इन इट। तो जिनको संघ का रंग लगता है जिन आत्माओं को, वो झूठी हो जाती है। सो द सोल्स हु आर कलर्ड बाय द कंपनी बिकम फॉल्स। जो जन्म जन्मांतर झूठों से टकराता रहा होगा। द वन हु वुड हैव बीन कन्फ्रंटिंग द फॉल्स वंस फॉर मेनी बर्थ्स, वो यहाँ संगमयुगी जीवन में भी देखने में आएगा। इट विल बी सीन अबाउट हिम हियर इन द कॉन्फ्लुएंस एज लाइफ एज वेल। क्या टकराता रहा। यस ही हैज बीन कन्फ्रंटिंग द फॉल्स वंस। अपने स्वरूप को नष्ट नहीं होने दिया। ही डिडंट लेट हिज फॉर्म बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन बाबा कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। बट बाबा सेज माया इज वेरी पावरफुल। ऐसा अहंकार कोई न करे। नो वन शुड बी इगोटिस्टिक लाइक दैट। कैसा अहंकार। इगोटिस्टिक लाइक वॉट। कि माया हमको नहीं जीत सकती। दैट माया कैनॉट गेन विक्ट्री ओवर अस। हमारे ऊपर माया का कोई असर नहीं हो सकता। माया कैनॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अस। लास्ट जन्म में आकर के वो राम की आत्मा भी हार जाती। इन द लास्ट बर्थ इवन द सोल ऑफ राम इज डिफीटेड। माया के चंबे में आ जाती। ही कम्स इन द क्लचेस ऑफ माया। प्रभाव में आ जाती। ही कम्स अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। नीचे गिर जाती। ही फॉल्स डाउन। और इतनी नीचे गिरती, इतनी नीचे गिरती, इतनी नीचे गिरती कि दुनिया में कोई भी आत्मा, कोई भी शख्सियत इतनी नीचे नहीं गिर सकती। मोर ओवर ही फॉल्स डाउन टू सच एन एक्सटेंट दैट नो सोल नो पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड कैन फॉल डाउन टू दैट एक्सटेंट। राम बना हुआ है ऊंच थे ऊंच पार्ट बजाने का और नीच थे नीच पार्ट बजाने का। द ड्रामा ऑफ प्लेइंग द हाईएस्ट ऑन हाई पार्ट एंड द लोएस्ट ऑफ लो पार्ट हैज बीन मेड। बड़े से बड़ा पापी और बड़े से बड़ा पुण्यात्मा। ही बिकम्स द मोस्ट सिंफुल वन एंड द मोस्ट नोबल सोल। बड़े से बड़ा देवता और बड़े से बड़ा राक्षस। द ग्रेटेस्ट डीटी एंड द वर्स्ट डीमन। रामबाली आत्मा भी राक्षस बनती है क्या। Does Ram's soul also become a demon? अरे राम वाली नहीं है, कृष्ण वाली आत्मा भी राक्षस बनती है। अरे नॉट जस्ट राम्स सोल बट कृष्णा सोल टू बिकम्स अ डीमन। नहीं तो मुरली में क्यों बोला गया राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। अदरवाइज वाई वॉज इट सेड इन द मुरली राम हिमसेल्फ बिकम्स रावण एंड कृष्णा हिमसेल्फ बिकम्स कंस। क्यों बनता है। वाई डज ही बिकम सच। किस लिए बनता है, ऐसा वंडरफुल राम क्यों बना हुआ है। For what reason does he become such? Why is the drama made so wonderful? वो फिर समझने की बात है। It is something to understand. ओम शांति।